इन बदमाशों को डिसेंट। हेलो गाइस, फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लो आप चैनल को, ताकि मैं आप लोगों को पुष्पा की सारी चीज़ें बता सकूं, रिव्यू दे सकूं। हाँ गाइस, आपको बता दूं कि इस फिल्म में अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा काम किया है अल्लू अर्जुन ने। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में तस्करी को लेकर बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया गया है और यहाँ पर एक इंसान के बारे में भी बताया गया है। सो गाइस, बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी, आप लोगों को क्लियर करता जाऊँगा। आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आपको तो सब्सक्राइब करना होगा ताकि आगे की वीडियोस आप देख सकें, ठीक है गाइस। और वाकई आप अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं या फिर फिल्म पुष्पा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आप लोगों को कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को देखने को मिलेगी। सो गाइस, सबसे पहले बता दूं कि यहां पर पुष्पा है अल्लू अर्जुन। जी हां, अल्लू अर्जुन का नाम ही पुष्पा है, जो कि डायलॉग बड़ा फेमस हुआ है, वो आप लोगों के भी दिमाग में आ रहा होगा कि पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है। जी हाँ, कितना सटीक बैठ रहा है ये डायलॉग। और इसकी जो स्क्रिप्टिंग लिखने वाले राइटर की बात करें तो उन्होंने भी क्या खूब लिखा है। जी हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म अपने आप में एक दबदबा बना के रखा है और इस फिल्म जैसा अभी बहुत सारी फिल्में हैं जो आने में सोचेंगी। जी हाँ, जितनी भी फिल्में रिलीज हो रही है ट्रिपल आर के टक्कर में ये जाएगा। और कहा ये भी जा रहा है कि ट्रिपल आर इतना अच्छी कलेक्शन या दिलों पे राज नहीं कर पाएगा जितना पुष्पा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा गाइस। सो आपको बता दूं कि ये फिल्म तस्करी को लेके हैं, चंदन की जो लकड़ियां होती हैं, इन लकड़ियों को देखा जाए तो बेशकीमती होती है, इनका कोई मोल कोई कीमत नहीं होता है। ऐसे ही एक जंगल होता है जिस जंगल में चंदन की ही लकड़ियों का कारोबार चलता है और उगता है काटे जाते हैं। जी हाँ, हालाँकि वहाँ पर अप्लाई नहीं है, वहाँ पे परमिशन नहीं है चंदन की लकड़ियों को काटने के लिए, बट जितने भी तस्करी के बड़े बड़े सरताज हैं वैसे अपने अपने मकसद को कामयाब करने के लिए अपने गैंग के ज़रिए वहाँ के जंगलों से तस्करी के तौर पे चंदन की लकड़ियों को काटते रहते हैं। सो गाइस, जो सीन है काफ़ी दर्दनाक है। वहीं पर एक मजदूर किस्म का इंसान होता है अल्लू अर्जुन। देखिए, पूरी स्टोरी तो मैं आपको क्लियर नहीं कह सकता क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। सो गाइस, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि एक गरीब वर्ग का लड़का, जो कि अनपढ़ भी कह सकते हैं, पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसका नाम पुष्पा है, वो मजदूरी के तौर पर एक बार मजदूरी के लिए चौक पे जाता है। आप जानते होंगे कि चौक होता है जहाँ पर मजदूर लोग बैठते हैं और वहीं से बड़े बड़े लोग वहाँ से उनको हायर करते हैं और अपना घर मकान बनवाने या फिर कोई पहाड़ तोड़ने ओढ़ने का काम देते रहते हैं। तो वहीं पर चौक पर चाय पीते रहते हैं और पुष्पा, और वहाँ पर मजदूरों को ले जाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। एक जगह जाने के लिए 250 रुपये मिलता है तो एक जगह जाने के लिए 1000 रुपये मिलता है। चाय वाले से पुष्पा पूछते हैं कि क्या ये हमें यहाँ 250 रुपये के लिए मजदूरों को ले जाया जा रहा है और वहाँ पर 1000 रुपये के लिए, तो वो 1000 रुपये क्या है? तो चाय वाला बताता है बड़ा ख़तरे का काम है, वहाँ पे चंदन की लकड़ियाँ काटने का काम मिलता है, ख़तरे का काम है, इसमें पकड़ा धरा भी जा सकता है, इसके लिए यहाँ पर 1000 रुपये पर डे का दिया जा रहा है, तुम 250 रुपये में जाओ, सुरक्षित रहोगे, यहाँ पर हल्का फुल्का काम होता है, शाम को घर लौटाओगे। मगर 1000 रुपये जहाँ पे मिलेगा वहाँ पर घर पे लौटना बड़ा ही मुश्किल है। सो गाइस, वाकई मुश्किल है और मुश्किलों का सामना करना ही पुष्पा का काम है। पुष्पा चाय वाले को बोलते हैं कि चलो भाई, तुमने जो कह दिया बहुत अच्छी है, इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, मगर मैं रिस्क लेने वाला पर्सन हूँ तो मैं रिस्क लूँगा क्योंकि मुझे 250 नहीं, मुझे 1000 रुपये चाहिए। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि 1000 रुपये वाले रास्ते पर चल देते हैं पुष्पा। जी हाँ, जब वो गाड़ियों पे लाद कर मज़दूरों को ले जाते हैं तो वहीं खूनखार रास्ते, वहीं सन्नाटे जगह, वहीं कड़ी धूप की जगह, बारिशों का मौसम, ढेले ईंटे, नदियाँ, झरने वाले जंगलों में जहाँ चंदन के बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ पर लेके जाया जाता है। उसके आगे मैं नहीं आपको बता सकता हूँ गाइस, बट आपको इतना क्लियर कर दूँ कि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि बॉक्स ऑफिस पर क्या कलेक्शन किया, फिल्म कैसे दिलों पर राज कर रहा है, इसमें क्या क्या स्टाइल है, आपके ये चहेते और हमारे चहेते
नागार्जुन, सॉरी सॉरी नागार्जुन नहीं, अल्लू अर्जुन। जी हाँ गाइस, मैं वो बता दूं कि इसमें जो हीरोइन है रश्मिका, वह काफ़ी लाजवाब एक्टिंग करने वाली नायिका हैं और वो तमिल की और साउथ की तो फेमस हीरोइनें मानी जाती हैं। सो गाइस, आपको क्लियर कर दूं कि कम उम्र में बहुत अच्छे अभिनय करने वाली रश्मिका ने यहाँ पे छाप छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इनकी जो हाई डिमांड होती है, इस हाई डिमांड को कोई भी बॉलीवुड की इंडस्ट्रीज भी इनको एक्सेप्ट करने से घबराती है कि इतना हाई डिमांड, इतनी अच्छी इनकी रेट है। यहाँ कहा जा सकता है कि जिस तरह से कैटरीना का फेयर वगैरह हो गई बॉलीवुड में, उतनी ही उनकी क्रेज़ वहाँ पर है। जी दोस्तों, आपको बता दूं कि इतने कम उम्र में इतने अच्छे पैसे कमाने के बाद रश्मिका के ऊपर छापे पड़ गए थे। मैं इनके रियल बता रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि काफ़ी उनका छापे पड़ गए कि आखिरकार ये इतने पैसे कहाँ से आए। तो फिर बाद में सेल्टेक्स वालों को पता चला तो ये हीरोइन है और इनके पास इतने पैसे होना आम बात है। उनके घर से छापे में 25 लाख रुपए भी मिल गए थे और कुछ ज़मीन के, बहुत जगहों के ज़मीन के कागजात भी मिले थे। तो ये उनकी पर्सनल लाइफ की न्यूज़ आप देख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, आप उनके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, उनकी बायोग्राफी को चेक कर सकते हैं। सो गाइज, ऐसी इंटरेस्टेड मैं बातें लेकर आया हूँ जो फैक्ट से जुड़ी हुई है, इस रिव्यू में मैं आपको क्लियर करते जाऊँगा। सो गाइज, बहुत अच्छी मूवी है। पुष्पा की बात करें तो एक और बातें बताने वाला हूँ इसके बाद, थोड़ा सा मैं आप लोगों से रेस्ट चाहूँगा क्योंकि गले में खराश हो रही है, मुझे पानी भी पीना पड़ेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ फिल्म पुष्पा को लेकर। सो गाइज, मैं बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बात बताने वाला हूँ इस फिल्म को लेकर। जी हाँ, आपको बता दूँ कि पुष्पा का जो रेगुलर में लोग कहते आ रहे हैं कि पुष्पा मूवी, पुष्पा मूवी, एक्चुअल में इसका जो फुल फॉर्म है यानी कि पूरा जो नाम है वो क्या है, तो पुष्पा द राइज, ठीक है, पुष्पा द राइज पूरी फिल्म का नाम है। ऐसे करके इन्होंने अपने नाम को रजिस्टर्ड करवाया है या फिर इस तरीके का नाम है जो लीगल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ कि इस फिल्म के जो रोल हैं, रोल के जो नेम है यानी कि जो इस फिल्म में जो प्ले कर रहे हैं उस कैरेक्टर का नाम क्या है और ओरिजिनल में उसको कौन से रियल कैरेक्टर ने निभाया है, तो इसके हम बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं कि पुष्पाराज जो नाम है वो पुष्पाराज नाम है अल्लू अर्जुन का, जो कि मेन कैरेक्टर है इस फिल्म के, तो पुष्पराज उनका नाम हो गया है। ठीक है गाइस, उसमें अगर हम बात करें तो भंवर सिंह, भंवर सिंह शेखावत किसका नाम है, ठीक है, तो भंवर सिंह शेखावत की बात करें तो ये वो है फहाद। जी हाँ, मैं बता दूँ आपको कि फहाद फासिल कौन से हैं, जो आप लास्ट में देख रहे होंगे जो IPS ऑफिसर जो आता है उनका नाम है भंवर सिंह शेखावत, जो कि पार्ट 2 में उनकी पूरी फिल्म में भूमिका है। हालांकि इस फिल्म में लास्ट में आए हैं और जलवा दिखा के गए हैं, आते ही जब उनकी इंट्री हो रही है तो दो को टपका देते हैं अपने जीप में ही, फिर आने के बाद तो उनके जो 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 लास्ट में हुआ है तो उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, फवाद के साथ यानी कि भंवर सिंह के साथ। अल्लू अर्जुन उनको चड्डी में कर देते हैं, फिर औकात बताते हैं IPS ऑफिसर का कि देखो तुम्हारे औकात क्या है, कि तुम अगर वर्दी में हो तो तुम्हारा कुत्ता पहचानता है, अगर तुम वर्दी में हो तो तुम्हें कोई नहीं पहचानता है। वहीं पर यह भी मैसेज मिला है इस फिल्म के लास्ट में कि देखो आप अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अगर आप ज़मीन से जुड़े हुए रहोगे तो आप किसी भी हाल में रहोगे तो आपके अपने लोग पहचान लेंगे, या वो इंसान हो या फिर कोई जानवर हो। सो गाइज, यहाँ पे ये दिखाया गया, तो वो ही है भंवर सिंह शेखावत। जी हाँ, जो कि भंवर सिंह शेखावत के जो कैरेक्टर प्ले करेंगे या कर रहे हैं तो वो है फवाद फासिल। जी हाँ, आपको बता दूं कि पुष्पा जो मूवी है इसका पार्ट 2 आने वाला है, जिसमें फुल वही रहेंगे, जो कि इसमें आपको बता दूं कि जो इसमें जो इंस्पेक्टर बने हुए हैं तो वो इंस्पेक्टर तो इस्तीफा कर नहीं देते, उनका तबादला हो जाता है क्योंकि वो अल्लू अर्जुन को और चंदन की लकड़ियों के तस्करी को नहीं पकड़ पाते हैं, हालांकि पूरी कोशिश रहती है, तो उनका वहाँ से तबादला हो गया है। तो अब वहाँ पे भंवर सिंह शेखावत पार्ट 2 में दिखाई देंगे कि वो किस तरीके से अल्लू अर्जुन को पकड़ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अल्लू अर्जुन जो है चंदन की लकड़ियाँ किस तरीके से पुलिस वालों से बचाते हैं, कि दूध का जो डेयरी वाला दूध का जो बस होता है, जो ट्रक कुछ भी कह सकते हैं आप, जो समझ सकते हैं, तो उसके नीचे बहुत अच्छे से बनाने के बाद एक खुफिया जगह बनाते हैं उस ट्रक के अंदर, जहाँ पे चंदन की लकड़ियाँ होती हैं, ऊपर दूध होता है, मिलना बड़ा मुश्किल होता है। सो गाइज, यहाँ पे अब फहाद फासिल जो भंवर सिंह का कैरेक्टर में आएंगे पार्ट 2 में, तो क्या वो पकड़ पाएंगे अल्लू अर्जुन के इस तस्करी को जो कि चंदन की लकड़ियों से होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बात कर लेते हैं एक और विलेन की, उस विलेन का यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता दूं कि एक जगपति बाबू हैं,
जी हाँ, जगपति बाबू जो है वो मेन विलन है, जो काले काले से जो आप देख रहे होंगे, जो कि 25 लाख में चंदन की लकड़ियाँ खरीदते हैं, जो कि आगे 1.5 करोड़ में बिकता है। सो गाइज, आपको बता दूं कि जॉली रेड्डी एक करके हैं कैरेक्टर विलेन का, उनका असली नाम है धनंजय। जी हाँ, धनंजय नाम है, और वो रियल में तो धनंजय नाम है, बट इस फिल्म के कैरेक्टर की बात करें तो उसमें जॉली रेड्डी नाम है। सो गाइज, बहुत सारे इसे मैं आगे चल बताऊंगा कि हीरोइन का असली नाम, पूरा नाम क्या है, इस फिल्म में क्या नाम है, वो सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, बहुत कुछ क्लियर करना है आप लोगों को। सो गाइस, मेरे वीडियो से बने रहिए। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो तोड़ दो बटन लाल वाली और सब्सक्राइब कर लो आप, बेल आइकन घंटी दबा लेना भाई, क्योंकि वो दबाओगे तो मेरे से बातचीत हो पाएगी आप लोगों को, और चाहे मैं भी चाहूँगा कि आप लोगों से मेरी बातचीत होती रहे, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करते रहो। चलो गाइज, आप बता दूँ कि स्टार्टिंग में इस फिल्म में जो 3 खास नाम रखे जा रहे हैं वो है अल्लू अर्जुन, अर्जुन का, फहाद फासिल का, और रश्मि का मदना सॉरी मंदाना का, मंदना मंदना, ठीक है गाइज। अब इसकी बात करें तो कितनी भाषा में रिलीज हुई है ये भी तो आप जानना चाहेंगे, तो इंडिया में एक हिंदी भाषा, तेलुगु भाषा और भी भाषाएं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिलहाल तेलुगु और इंडिया में तो धमाल मचा दिया है। इसके जो राइटर हैं, आप बोलेंगे ना कि राइटर सुकुमार जी हैं, तो फिर वो डायरेक्टर वो नहीं होंगे, नहीं, आपको बता दूं कि इसके जो राइटर हैं, जो इस फिल्म के पूरी स्क्रिप्ट पूरी ढांचा तैयार किया अपने छोटे से कलम से और अपनी दिमाग की ताकत से, वो हैं सुकुमार सर। और देन उसके बाद जो डायरेक्टर की बात करें, जो एक एक चीज़ को याद रखें, आपको याद होगा कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैसे चल रहे हैं, आपको पता ही होगा कि उनका लेफ्ट या शायद राइट हैंड जो शोल्डर है वो ऊपर को होता है, कौन सा होता है आप जरा बताइएगा, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड ऊपर को तरफ होता है। और जो डांसिंग स्टेप की बात करें तो चलिए इसको मैं आगे बताऊंगा, जो लंगड़ा वाला डांस स्टेप है वो कौन से कोरियोग्राफर का है। देन आपको अभी मैं बता दूँ कि सुकुमार जो सर हैं वो इस फिल्म को लिखे भी हैं और डायरेक्टर भी वही हैं, एक एक चीज़ को ध्यान रखे हैं कि कैसे लकड़ियों को सारे गिराने हैं और समुद्र के तट पर ले जाना है, नदी के द्वारा इसको बहाव करना है, और फिर एक बांध होगा, बांध को बंद करना है ताकि लकड़ी उसको आगे ना जाए। देखिए सारी चीजें जो करने वाले और कराने वाले लिखने वाले हैं वह सुकुमार सर। सो गाइज, आपको आपको सुकुमार सर के लिए क्या कहना है आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, क्योंकि देखिए सुकुमार सर के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप पुष्पा को प्यार करते हैं, ठीक है गाइज। अब बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर की, इस फिल्म में पैसे किन्होंने लगाया है, तो वो है नवीन यरनेनी, ठीक है, नवीन यरनेनी है, और दूसरा है वाई रविशंकर। जी हाँ, बहुत बड़े ये आदमी होंगे, इनके पास दौलत की कमी नहीं होगी, जो इतनी बड़ी फिल्म के लिए इन्होंने पैसा दिया है, रुपए लगाए हैं, तो ये दो प्रोड्यूसर हैं। देन उसके बाद करेंगी, देखो हर चीज़ बन जाती है गाइज, हर चीज़ बन जाने के बाद अब होता है क्या है कि अगर हम उस चीज़ को छांटे नहीं, काटे नहीं, तो फिर फिल्म का वो चीज़ें नहीं निकल के आ पाती है। हालांकि डायरेक्टर के देख रेख में होता है एडिटिंग, एडिटिंग की बात कर रहा हूँ, बट ये एडिटर जो है तो बड़ा ही कमाल के चीज़ होते हैं, उनको क्या चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ें उड़ानी है, कैसे उसमें वीएफएक्स वगैरह वगैरह डालने हैं, ये बड़ी ही बहुत ही मैं बात करूँ तो बहुत ही एक माइंड ब्लोइंग बात है। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ कि इसके जो एडिटर हैं उनका एडिटर का नाम जानना चाहेंगे आप, उनका एडिटर का नाम है कृतिका श्रीनिवास। जी हाँ, एक देखने वाला नॉर्मल बंदा, पतले दुबले से हैं ये, और उन्होंने इसको एडिटिंग किया, इसमें सारे जो बेफेक्स वगैरह है और जितने भी कलर करेक्शन किए और एनजी शॉट को निकाला है, तो वो हैं श्रीनिवास जी। सो गाइस, वाह क्या बात है। अब चलते हैं डायरेक्टर की बात कर लिए, अब एडिटर की बात कर लिए, अब बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर की। तो जी हाँ, म्यूजिक भी आप लोगों ने सुना ही होगा, आप लोगों ने ए आर रहमान की म्यूजिक सुनी होगी, और फिर ये म्यूजिक सुना होगा तो आपको लग रहा होगा कि हाँ वाकई कहीं ना कहीं से उन्हीं के भाव और उन्हीं की चीज़ों को यहाँ पे बहुत ही बारीकी से रखा गया है। तो ये फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं देवी श्री प्रसाद जी। हाँ देखिए कितना प्यारा सा नाम है, देवी श्री प्रसाद। तो ये इन्होंने म्यूजिक दिया इस फिल्म में, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत अच्छे अच्छे गानों पर इनमें म्यूजिक कंपोज किया इन्होंने, तो ये मायने रखता है अपने आप में। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की। आप कहेंगे कि मैं तो आज देख रहा हूँ, आज सुन रहा हूँ, आज मुझे पता चला, तो आपको क्लियर कर दूँ कि 17 दिसंबर 2021 में ही इस फिल्म का रिलीजिंग डेट हो गया था। जी हाँ,
और काफ़ी टाइम हो गया इस फिल्म को, और आज भी इतना क्रेज़ है कि आप लोग उस क्रेज़ की वजह से ही मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं पता है आप लोगों को बता दूं, मैं ही नहीं, कोई भी इनके ऊपर कोई फिल्म है, कोई वीडियो बना रहा है तो खचा खच व्यूवर्स आ रहे हैं, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है इस वीडियो को लेकर। तो सो मैं भी सोचा कि आप लोगों से कुछ गपशप हो जाए और इसके बारे में मैं अपना ओपिनियन रखूँ। सो गाइस मैंने रखा, आप लोगों को शायद अच्छा भी लग रहा होगा, अब तक मुझे नहीं लग रहा होगा कि मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूँ, हालांकि मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ और आप लोगों का साथ मिल रहा है, आपने ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। सो गाइस थैंक यू इसके लिए। अब बात कर लेते हैं कि बजट, बजट की बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बजट के बाद कितनी अर्निंग हुई ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि अब तक कितने अर्निंग हो चुके हैं। सो गाइज कहने को तो ये फिल्म जा रही है 2.5 अरब की, जी हाँ 250 करोड़ की जा रही है फिल्म यानी बजट में। सो गाइज मुझे नहीं लगता, यहाँ पे लिखा हुआ है सो मैं बता रहा हूँ, बट इतना नहीं क्योंकि देखो अगर इतना होगा तो ये फिल्म फ्लॉप माना जाएगा क्योंकि इतना अर्निंग नहीं निकल पाया है, कलेक्शन नहीं हो पाई है। तो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगा कि इस फिल्म की एक्चुअल रेट, एक्चुअल जो लागत है वो कितनी हुई है, और इसकी पूरी मैं आपको बजट भी बताऊँगा, कलेक्शन भी बताऊंगा कि कितनी कलेक्शन हुई है। सो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ, चलते हैं आगे की तरफ जो खास होगा। इस छोड़ेंगे नहीं वीडियो को, छोड़ेंगे तो दोस्त मुझे नहीं लगता कि आप सही चीज़ें जान पाएंगे क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिलती है एक नहीं कई साइडों से सर्च किया हुआ चीज़ें, जो कि सर्च करके पूरी तरीके से मैं लिखा हूँ और लिखने के बाद सामने मेरे पास कंप्यूटर भी है जहाँ पे मैं गूगल से सर्च कर रहा हूँ, विकिपीडिया से सर्च कर रहा हूँ और आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। सो गाइस बहुत ही कुछ अमेजिंग बोलने वाला हूँ, अमेजिंग बताने वाला हूँ, आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो से, चलते हैं आगे की तरफ। सो गाइस आप लोगों को बताते चलूँ कि ये फिल्म साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की है। अब आपको बता दूं कि अभी तक ये कितना कलेक्शन किया है, इसको जानने की आप लोगों की बड़ी दिल में वो हो रही होगी। सो आपको क्लियर कर दूं कि बहुत अच्छी कलेक्शन रही है इस फिल्म की, अभी तक की कलेक्शन जो सामने सो रही है वो सो मैं बता रहा हूँ, और फिर आगे मुझे कुछ और भी बताना होगा कि कितनी तक हुई। सो गाइस मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 390 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की है ये मूवी, मगर एक्चुअल में इसकी क्या अर्निंग हुई है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। आपको बता दूँ कि ये फिल्म लॉकडाउन के दौरान रिलीज हुई है, जी हाँ लॉकडाउन के दौरान रिलीज हुई है, फिर भी कमाल मचा गई, धमाल मचा गई। जी आपको क्लियर कर दूँ कि लॉकडाउन भी देखिए कुछ ऐसे जो सिनेमा है जहाँ सिनेमा पे, तो आपको क्लियर कर दूं कि जो सिनेमा में देखा, मेरे पास की बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ में मेरे पास में एक सिनेमा हॉल था जो कई टाइम से, कितने टाइम से बंद हुआ पड़ा था और लॉकडाउन के टाइम से बंद पड़ा हुआ था, मगर जैसे ही फिल्म लगा तो उसने इस फिल्म को रिलीज़ किया और गाइस आपको क्लियर कर दूँ बहुत अच्छी अर्निंग। गाइज आपको बता दूं कि साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं, उनकी फिल्म पुष्पा के बाद कौन सी फिल्म आप देखेंगे ये जान लेना बड़ा ही ज़रूरी है। सो गाइज मैं आपको पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन की कौन सी फिल्म आ रही है OTT पे भी देख सकते हैं उसको, और साथ ही साथ सिनेमा हॉल में अगर खुली होगी तो देख ही लेंगे। तो आपको बता दूं गाइज कि वो फिल्म काफ़ी चर्चाओं में है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि पुष्पा के बाद हम पुष्पा पार्ट 2 देखेंगे अल्लू अर्जुन का, तो आपको ये क्लियर कर दूँ कि पार्ट 2 आने से पहले एक फिल्म आने वाली है अल्लू अर्जुन की, जो कि आपको ये क्लियर करते चलूं कि उसका नाम थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगेगा अगर आप हिंदी जानते हैं तो, अन्यथा अगर आप तमिल जानते हैं, तेलुगु जानते हैं तो आसान पड़ेगा। सीधे सीधे आपको बता दूं कि उस फिल्म का नाम है अल्लाह वेंकुटपुर मलो। क्या बात है, कैसा नाम है, अल्लाह वेंकुटपुर मलो। इसका हिंदी वर्जन आने वाला है गाइज, इसका हिंदी वर्जन जब आएगा तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि उसका नाम क्या होगा। सबसे पहले बता दूँ कि उनका जो फिल्म है वो काफ़ी बम्पर हिट हो रहा है, बम्पर हिट हो भी गया और दुनिया भर में एक हिट का मिसाल कायम कर दिया पुष्पा ने। जी हाँ इसके फैंस फॉलोइंग इतने बढ़ गए और इतने बढ़ते जा रहे हैं, कि आपको बता दूं कि मेरे ये वीडियो आप देखने देखने में देखोगे कि 1000 व्यूवर्स पार हो गया, मगर 1000 लाइक भी चाहिए गाइस, आप लाइक फटाफट से कर लो, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बता दूं कि उनका जो आने वाला फिल्म है वो है अल्लाह वेंकुटपुर रामू लो। देखो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ
क्योंकि ये तमिल वमिल होगा। चलिए ठीक से एक बार इसका मैं हिंदी बता देना चाहता हूँ। फिलहाल एक बार और आप लोग मेरे साथ बोलिए, उनका आने वाला कौन सा फिल्म है? अल्लाह वेंकुट्ठा पुरा मुल्लो। अब इसका हिंदी में आएगा तब आपको मजा आएगा। तो हिंदी में भी देख लो भाई, हिंदी में ही आने वाला है। हिंदी में आएगा तो इस वाले का जो आपने देखा था पुष्पा, उसमें तो डबिंग किए थे तलपड़े जी, श्रेष्ठ तलपड़े ने, जो नागर सॉरी अल्लू अर्जुन का जो वॉइस ओवर है उनका उन्होंने किया था। बट इस फिल्म में कौन करेंगे उनका वॉइस ओवर, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस सबसे पहले आपको बता दूँ कि ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा हो रहा है अल्लाह वेंकुट पुरुमलो का। सो आपको बता दूँ कि 26 जनवरी को ये फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज हो जाएगी। जी हाँ, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप देखेंगे अल्लू अर्जुन का दूसरा फिल्म। जी हाँ, हालांकि वो तमिल और तेलुगु भाषा में तो रैंक कर ही रहा है, अब हिंदी में भी 26 तारीख को जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। मगर हाँ, आपको बता दूँ कि उसका नाम हिंदी में अल्लाह वेंकुट पुरलो मलो ना होगा, बल्कि उनका नाम रखा जाएगा। और इसका नाम क्या रखा जाएगा मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मगर 26 तारीख को आप अगर पुष्पा नहीं देखें तो पुष्पा देख के ख़त्म कर दो आप, क्योंकि आपको सेकंड अल्लू अर्जुन का देखना है। हाँ भाई, मैं ये नहीं बताऊँगा इसमें कि अल्लू अर्जुन का गेटअप कैसा होगा। जी हाँ, अभी आपने इस फिल्म में गेटअप देखा तो एक आदिवासी के गेटअप में दिखाई दे रहे थे, उसमें क्या होगा ये मैं आगे चल के आपको बता रहा हूँ। सो गाइज, एक और बीच में ब्रेक लेना चाहूँगा, और ये ब्रेक इसलिए लेना चाहूँगा कि ऑस्कर अवार्ड में यूट्यूब फिल्म जय भीम चली गई है, अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, सूर्या का फिल्म है जिसका नाम है जय भीम, वो ऑस्कर में जा चुकी है। जी हाँ, वहीं पे अगर बात करें तो आपको क्लियर कर दूं कि आमिर खान की फिल्म फिर से टल चुकी है, यानी कि रिलीज होने वाला था और ये फिल्म टल चुकी है। अब आप कहेंगे आमिर खान की कौन सी फिल्म आ रही है जो टल चुकी है? गाइज, आपको क्लियर कर दूं कि उस फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा, इस फिल्म को टाल दिया गया है, यानी ये रिलीज होने वाला था, अब इसका रिलीजिंग डेट बढ़ गया है। हालांकि दोस्तों आपको क्लियर कर दूं कि रिलीज नहीं होना ही ठीक था, क्योंकि पुष्पा के आगे तो शायद ही टक्कर तो होती होती गाइज, मगर कहीं ना कहीं से दोनों को लॉस होता है, इसलिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। डोंट माइंड गाइज, कोई दिक्कत नहीं, हम एक और आपको खबर बता देना चाहते हैं साथ ही साथ कि पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन की फिल्म अल्लाह वेंकुट पुरुमलो हिंदी वर्जन आने वाला है। सो गाइज, आपको ये क्लियर कर दूँ कि अभी चिरंजीवी की फिल्म कोरोना के चलते थोड़ा पेंडिंग पड़ी हुई है, जिस फिल्म का नाम है आचार्य। जी हाँ, आचार्य बहुत अच्छा नाम है, और इसमें चिरंजीवी स्टारडम एक कलाकार आपके बीच आने वाले हैं फिल्म लेकर। जी हाँ गाइस, अब दोस्तों आपको भी क्लियर करते चलूँ कि अमेजिंग प्राइम पर आपको देखना होगा अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा। जी हाँ, क्रेजी फैंस तो छोड़ेंगे नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि एक छोड़ने वाली बात हो ही नहीं सकती गाइस। आपको बता दूं कि आप लोग वही चीज़ तो देखने आए हैं, मगर आपको बहुत सारी जानकारी मैंने दे दिया कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, जेन्युइन तरीके से आप इस फिल्म को देखना चाहेंगे। तो आपको भी क्लियर कर दूं कि OTT पर हिंदी में रिलीज हुई पुष्पा, साथ ही साथ ये चार भाषाओं में, जी हाँ गाइस, चार भाषाओं में ये आपके बीच है फिल्म। कितने भाषाओं में? चार भाषाओं में। जी हाँ, जान लेना चाहिए आप लोगों को कि कौन कौन सी भाषाएं हैं जिसमें ये रिलीज हुई है। जी हाँ, पहले तो बता दूँ पुष्पा हिंदी में, क्योंकि हमारा हिंदी चलता है, हिंदी हम और आप समझ लेते हैं ठीक ठाक। वैसे तमिल भाई भी देख रहे होंगे, मलयालम कन्नड़ तेलुगु वाली भी देख रहे होंगे, सबको धन्यवाद, सब्सक्राइब कर दो भाई, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो शेयर करो। चलो जी, बता दूँ कि हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में, जी हाँ, किस में कन्नड़ में, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, हिंदी में, फिर से बोलता हूँ, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में और कन्नड़ में, पूरे चार भाषाओं में इसको डब करके रिलीज किया गया, और चार भाषाओं में दौड़ लगा रहे दौड़। तो गाइस, अब आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, आप लोग सोचो कितनी बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ, कितनी अंदरूनी बातें बता रहा हूँ। तो फटाफट से आप शेयर लगा दो वीडियो को, शेयर लगाओ लगाओ फटाफट से लगा दो
ये फिल्म, क्योंकि ये जो फिल्म है ना, ये फ्लावर नहीं है, फायर है, फायर लगा दो भाई, शेयर लगा दो बट से। और शेयर लगाने के बाद बाद आप लोग अगर फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हो इस वीडियो को तो लाइक करो, कमेंट करो, ये करना भूलना मत। देखो भाई, कमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, मगर आए हो तो ठोक के जाओ कोई ना कोई, है ना। दिक्कत नहीं है भाई कि आप लोगों को फिल्म देखने आए हो तो आप लोगों को यहाँ पे रिव्यू सुनने को मिल रहा है, तो ऐसा मत सोचना भाई। अगर आप लोग पुष्पा के फैन हो, अल्लू अर्जुन के फैन हो, रश्मिका फहाद का फैन हो, इस फिल्म के पूरी टीम का फैन हो, तो मार दो कमेंट, जो भी मारना हो लाइक मार दो, डिसलाइक मार दो, शेयर जरूर लगा दो, ठीक है भाई। शेयर लगाओ फटाफट से, आगे मैं आगे आप लोगों को और चीज़ें बता रहा हूँ। सो गाइस, आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इस फिल्म का हीरोइन जो है वो है रश्मिका, और रश्मिका का पूरा नाम मैं आगे चल के बता रहा हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि करण मल्होत्रा की एक रणबीर कपूर की फिल्म रिलीज होने वाली है ओटीटी पे। जी हाँ, सिनेमा हॉल पर नहीं देख सकते हैं, ओटीटी पे, जिस फिल्म का नाम है शमशेरा। जी हाँ, शमशेरा देखेंगे आप, शमशेरा आप लोगों को मिलेगा ओटीटी पर देखने के लिए। यानी कि एक के बाद एक बॉलीवुड फिल्में ओटीटी पे रिलीज हो रही है गाइस, आपको घबराने का नहीं। सिनेमा हॉल में जाने की जिसको प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, आप लोग देख रहे हैं ओटीटी पे। जी हाँ, मैं हूँ कहाँ पे, यूट्यूब पे। सो गाइस, यूट्यूब, और इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि फेसबुक पर भी डाल दूँ। आप लोग को पता ही होगा भाई कि आप लोग अजय देवगन को देखने वाले हैं कौन से फिल्म में, RRR में। तो RRR का भी मैं रिव्यू लेके आने वाला हूँ। फिलहाल ही पुष्पा का रिव्यू चल रहा है, जो अभी आ रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए, तो मैं उनको बता दूं कि अजय देवगढ़ की एक नई फिल्म की शुरुआत हो गई है। बट अभी आ रहे हैं तो बता दूं कि पीछे और आगे भी चलेगा पुष्पा का रिव्यू, पर बीच बीच में आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, बनता है, क्यों बनता है ना। चलिए गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि अजय देवगढ़ को आप लोग RRR में तो देखेंगे ही, साथ में RRR में वो दो कलाकारों के साथ है, दो एक्टर के साथ है, वहीं पे सिंगल उनकी जो फिल्म आ रही है वो फिल्म का शूटिंग स्टार्ट हो चुका है, और वो फिल्म रीमेक है। जी हाँ, रीमेक है, यानी कि वो फिल्म पहले बन चुकी है, उसी फिल्म का यहाँ पे रीमेक होने वाला है, जिसमें अजय देवगढ़ होंगे। जी हाँ, और दमदार एक्टिंग में दिखाई देंगे। जी हाँ, वैसे भी शानदार एक्शन के साथ एक बढ़िया फिल्म बनाने वाले अजय देवगढ़ एक्टर हैं। अब आपको बता दूं कि बहुत ही चर्चित फिल्म है। जी हाँ, बहुत ही चर्चित फिल्म है, और वो चर्चित फिल्म का नाम है कैंथी। जी हाँ, कैंथी, कैंथी, कैंथी नहीं सुने, कोई बात नहीं, कैंथी नहीं सुने तो कैंथी सर्च करो फटाफट से, उस फिल्म को देखो आप भाई, फटाफट से देख लो आप। उसी फिल्म का यहाँ पर रीमेक बनाने वाले हैं अजय देवगन, जिस फिल्म का नाम कैंथी नहीं होगा, उस फिल्म का नाम होगा भोला। जी हाँ, भोला। जी हाँ, आपको बता दूं कि भोला के नाम से अजय देवगन की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि रीमेक है कैंथी की। जी हाँ, आपको क्लियर कर दूं कि ये फिल्म एक एक्शन मूवी भी हो सकती है। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, आपको अब लेके चलता हूँ पुष्पा की तरफ फिर से, उसके बाद लेकर आऊँगा बहुत अच्छी बातें हैं। जी हाँ, अमेजिंग एक अपडेट है, वो अपडेट आपको बता देना चाहता हूँ पुष्पा को लेकर, कि पुष्पा फिल्म का जो कुछ सीन की बात करें तो उसमें एक सीन होता है, वो सीन बड़ा दर्दनाक होता है, वो आप लोग ट्रेलर में भी देखे होंगे कि चंदन की बहुत सारी लकड़ियाँ अपने अड्डे पे रखी हुई होती है, और वहाँ पड़ता है पुलिस का छापा। जी हाँ, पुलिस का छापा पड़ता है। आपको सीन बता दूँ, सीन को ध्यान में रखिएगा, सीन को ध्यान से सुनना भी है आपको। जी हाँ, अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर कहीं ना कहीं से आप मिस कर जाएंगे। हेलो गाइस, फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लो आप चैनल को, ताकि मैं आप लोगों को पुष्पा की सारी चीज़ें बता सकूं, रिव्यू दे सकूं। हाँ गाइस, आपको बता दूं कि इस फिल्म में अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा काम किया है अल्लू अर्जुन ने। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में तस्करी को लेकर बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया गया है, और यहाँ पर एक इंसान के बारे में भी बताया गया है। सो गाइस, बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी, आप लोगों को क्लियर करता जाऊँगा। आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले आपको तो सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आगे की वीडियोज़ आप देख सकें, ठीक है गाइस। और वाकई आप अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं या फिर फिल्म पुष्पा के फ़ैन हैं, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आप लोगों को कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बात सुनने को देखने को मिलेगी। सो गाइस, सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर पुष्पा हैं अल्लू अर्जुन। जी हाँ, अल्लू अर्जुन का नाम ही पुष्पा है, जो कि डायलॉग बड़ा फेमस हुआ है, वो आप लोगों के भी दिमाग में आ रहा होगा कि पुष्पा फ्लावर नहीं
फायर है। जी हाँ, कितना सटीक बैठ रहा है डायलॉग। और इसकी जो स्क्रिप्टिंग लिखने वाले राइटर की बात करें तो उन्होंने भी क्या खूब लिखा है। जी हाँ गाइस, मैं आपको बता दूँ कि ये फिल्म अपने आप में एक दबदबा बना के रखा है, और इस फिल्म जैसा अभी बहुत सारी फिल्में हैं जो आने में सोचेंगी। जी हाँ, जितनी भी फिल्में रिलीज़ हो रही है ट्रिपल आर के टक्कर में ये जाएगा। और कहा ये भी जा रहा है कि ट्रिपल आर इतना अच्छी कलेक्शन या दिलों पर राज नहीं कर पाएगा जितना पुष्पा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा गाइस। सो आपको बता दूं कि ये फिल्म तस्करी को लेकर हैं, चंदन चंदन की जो लकड़ियां होती हैं इन लकड़ियों को देखा जाए तो बेशकीमती होती है, इनका कोई मोल कोई कीमत नहीं होता है। ऐसे ही एक जंगल होता है जिस जंगल में चंदन की ही लकड़ियों का कारोबार चलता है और उगता है काटे जाते हैं। जी हाँ, हालांकि वहाँ पर अप्लाई नहीं है, वहाँ पे परमिशन नहीं है चंदन की लकड़ियों को काटने के लिए, बट जितने भी तस्करी के बड़े बड़े सरताज हैं वैसे अपने अपने मकसद को कामयाब करने के लिए अपने गैंग के ज़रिए वहाँ के जंगलों से तस्करी के तौर पे चंदन की लकड़ियों को काटते रहते हैं। सो गाइस, जो सीन है काफ़ी दर्दनाक है। वहीं पर एक मजदूर किस्म का इंसान होता है अल्लू अर्जुन। देखिए पूरी स्टोरी तो मैं आपको क्लियर नहीं कह सकता क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो कॉपीराइट कैसे हो जाएगा। सो गाइस, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि एक गरीब वर्ग का लड़का जो कि अनपढ़ भी कह सकते हैं, पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसका नाम पुष्पा है, वो मजदूरी के तौर पर एक बार मजदूरी के लिए चौक पे जाता है। आप जानते होंगे कि चौक होता है जहाँ पर मजदूर लोग बैठते हैं और वहीं से बड़े बड़े लोग वहाँ से उनको हायर करते हैं और अपना घर मकान बनवाने या फिर कोई पहाड़ तोड़ने उड़ने का काम देते रहते हैं। तो वहीं पर चौक पर चाय पीते रहते हैं और पुष्पा, और वहाँ पर मजदूरों को ले जाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। एक जगह जाने के लिए 250 रुपये मिलता है तो एक जगह जाने के लिए 1000 रुपये मिलता है। चाय वाले से पुष्पा पूछते हैं कि क्या ये हमें यहाँ 250 रुपये के लिए मजदूरों को ले जाया जा रहा है और वहाँ पर 1000 रुपये के लिए, तो वो 1000 रुपये क्या है? तो चाय वाला बताता है बड़ा खतरे का काम है, वहाँ पर चंदन की लकड़ियाँ काटने का काम मिलता है, खतरे का काम है, इसमें पकड़ा धरा भी जा सकता है, इसके लिए यहाँ पर 1000 रुपये पर डे का दिया जा रहा है, तुम 250 रुपये में जाओ, सुरक्षित रहोगे, यहाँ पर हल्का फुल्का काम होता है, शाम को घर लौटाओगे। मगर 1000 रुपये जहाँ पे मिलेगा वहाँ पर घर पे लौटना बड़ा ही मुश्किल है। सो गाइस, वाकई मुश्किल है और मुश्किलों का सामना करना ही पुष्पा का काम है। पुष्पा चाय वाले को बोलते हैं कि चलो भाई, तुमने जो कह दिया बहुत अच्छी है, इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, मगर मैं रिस्क लेने वाला पर्सन हूँ तो मैं रिस्क लूँगा ही लूँगा, क्योंकि मुझे 250 नहीं, मुझे 1000 रुपये चाहिए। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि 1000 रुपये वाले रास्ते पे चल देते हैं पुष्पा। जी हाँ, जब वो गाड़ियों पे लाद कर मजदूरों को ले जाते हैं तो वहीं खूनखार रास्ते, वहीं सन्नाटे जगह, वहीं कड़ी धूप की जगह, बारिशों का मौसम, ढेले ईंटे, नदियाँ, झरने वाले जंगलों में जहाँ चंदन के बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ पर लेके जाया जाता है। उसके आगे मैं नहीं आपको बता सकता हूँ गाइस, बट आपको इतना क्लियर कर दूँ कि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि बॉक्स ऑफिस पर क्या कलेक्शन किया फिल्म, कैसे दिलों पर राज कर रहा है, इसमें क्या क्या स्टाइल है, आपके ये चहेते और हमारे चहेते अल्लू अर्जुन। जी गाइस, मैं बता दूं कि इसमें जो हीरोइन है रश्मिका, वह काफ़ी लाजवाब एक्टिंग करने वाली नायिका हैं और वो तमिल की और साउथ की तो फेमस हीरोइनें मानी जाती हैं। सो गाइस, आपको क्लियर कर दूं कि कम उम्र में बहुत अच्छे अभिनय करने वाली रश्मिका ने यहाँ पे छाप छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इनकी जो हाई डिमांड होती है, इस हाई डिमांड को कोई भी बॉलीवुड की इंडस्ट्रीज भी इनको एक्सेप्ट करने से घबराती है कि इतना हाई डिमांड, इतनी अच्छी इनकी रेट है। यहाँ कहा जा सकता है कि जिस तरह से कैटरीना का फेयर वगैरह हो गई बॉलीवुड में, उतनी ही उनकी क्रेज वहाँ पर है। जी दोस्तों, आपको बता दूं कि इतनी कम उम्र में इतने अच्छे पैसे कमाने के बाद रश्मिका के ऊपर छापे पड़ गए थे। मैं इनके रियल बता रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि काफ़ी उनका छापे पड़ गए कि आखिरकार ये इतने पैसे कहाँ से आए। तो फिर बाद में सेंटेक्स वाले को पता चला तो ये हीरोइन है और इनके पास इतने पैसे होना आम बात है। उनके घर से छापे में 25 लाख रुपए भी मिल गए थे और कुछ ज़मीन के, बहुत जगहों के ज़मीन के कागजात भी मिले थे। तो ये उनकी पर्सनल लाइफ की न्यूज़ आप देख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, आप उनके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, उनकी बायोग्राफी को चेक कर सकते हैं। सो गाइस, ऐसी इंटरेस्टेड मैं बातें लेकर आया हूँ जो फैक्ट से जुड़ी हुई है, इस रिव्यू में मैं आपको क्लियर करते जाऊँगा। सो गाइस, बहुत अच्छी मूवी है। पुष्पा की बात करें तो एक और बातें बताने वाला हूँ इसके बाद, थोड़ा सा मैं आप लोगों से रेस्ट चाहूँगा क्योंकि गले में खराश हो रही है, मुझे पानी भी पीना पड़ेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ फिल्म पुष्पा को लेकर।
सो गाइस मैं बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बात बताने वाला हूँ इस फिल्म को लेकर। जी हाँ, आपको बता दूँ कि पुष्पा का जो रेगुलर में लोग कहते आ रहे हैं कि पुष्पा मूवी, एक्चुअल में इसका जो फुल फॉर्म है यानी कि पूरा जो नाम है वो क्या है, तो पुष्पा द राइज, ठीक है पुष्पा द राइज पूरी फिल्म का नाम है। ऐसे करके इन्होंने अपने नाम को रजिस्टर्ड करवाया है या फिर इस तरीके का नाम है जो लीगल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ कि इस फिल्म के जो रोल हैं, रोल के जो नेम है यानी कि जो इस फिल्म में जो प्ले कर रहे हैं उस करेक्टर का नाम क्या है और ओरिजिनल में उसको कौन से रियल कैरेक्टर ने निभाया है, तो इसके हम बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं कि पुष्पाराज जो नाम है वो पुष्पाराज नाम है अल्लू अर्जुन का, जो कि मेन कैरेक्टर है इस फिल्म के, तो पुष्पाराज उनका नाम हो गया है। ठीक है गाइस, उसमें अगर हम बात करें तो भंवर सिंह शेखावत किसका नाम है, ठीक है, तो भंवर सिंह शेखावत की बात करें तो ये वो है फहाद। जी हाँ, मैं बता दूँ आपको कि फहाद फासिल कौन से हैं, जो आप लास्ट में देख रहे होंगे जो IPS ऑफिसर जो आता है उनका नाम है भंवर सिंह शेखावत, जो कि पार्ट टू में उनकी पूरी फिल्म में भूमिका है। हालांकि इस फिल्म में लास्ट में आए हैं और जलवा दिखा के गए हैं, आते ही जब उनकी एंट्री हो रही है तो दो को टपका देते हैं अपने जीप में ही, फिर आने के बाद तो उनके जो जो लास्ट में हुआ है तो उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है फवाद के साथ यानी कि भंवर सिंह के साथ। अल्लू अर्जुन उनको चड्डी में कर देते हैं, फिर औकात बताते हैं IPS ऑफिसर का कि देखो तुम्हारे औकात क्या है कि तुम अगर वर्दी में हो तो तुम्हारा कुत्ता पहचानता है, अगर तुम वर्दी में हो तो तुम्हें कोई नहीं पहचानता है। वहीं पर यह भी मैसेज मिला है इस फिल्म के लास्ट में कि देखो आप अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अगर आप ज़मीन से जुड़े हुए रहोगे तो आप किसी भी हाल में रहोगे तो आपके अपने लोग पहचान लेंगे, या वो इंसान हो या फिर कोई जानवर हो। सो गाइज यहाँ पे ये दिखाया गया, तो वो ही है भंवर सिंह शेखावत। जी हाँ, जो कि भंवर सिंह शेखावत जो कैरेक्टर प्ले करेंगे या कर रहे हैं तो वो हैं फवाद फासिल। जी हाँ, आपको बता दूं कि पुष्पा जो मूवी है इसका पार्ट टू आने वाला है जिसमें फुल वही रहेंगे, जो कि इसमें आपको बता दूं कि जो इसमें जो इंस्पेक्टर बने हुए हैं तो वो इंस्पेक्टर तो इस्तीफा कर नहीं देते, उनका तबादला हो जाता है क्योंकि वो अल्लू अर्जुन को और चंदन की लकड़ियों के तस्करी को नहीं पकड़ पाते हैं, हालांकि पूरी कोशिश रहती है, तो उनका वहां से तबादला हो गया है। तो अब वहां पे भंवर सिंह शेखावत पार्ट टू में दिखाई देंगे कि वो किस तरीके से अल्लू अर्जुन को पकड़ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अल्लू अर्जुन जो है चंदन की लकड़ियाँ किस तरीके से पुलिस वालों से बचाते हैं, कि दूध का जो डेयरी वाला दूध का जो बस होता है, जो ट्रक कुछ भी कह सकते हैं आप, जो समझ सकते हैं, तो उसके नीचे बहुत अच्छे से बनाने के बाद एक खुफिया जगह बनाते हैं उस ट्रक के अंदर जहाँ पे चंदन की लकड़ियाँ होती है, ऊपर दूध होता है, मिलना बड़ा मुश्किल होता है। सो गाइज यहाँ पे अब फहाद फासिल जो भंवर सिंह का कैरेक्टर में आएंगे पार्ट टू में, तो क्या वो पकड़ पाएंगे अल्लू अर्जुन के इस तस्करी को जो कि चंदन की लकड़ियों से होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बात कर लेते हैं एक और विलन की, उस विलन का यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है बट मैं आपको बता दूं कि एक जगपति बाबू हैं। जी हाँ, जगपति बाबू जो हैं वो मेन विलेन है, जो काले काले से जो आप देख रहे होंगे, जो कि 25 लाख में चंदन की लकड़ियाँ खरीदते हैं, जो कि आगे 1.5 करोड़ में बिकता है। सो गाइज आपको बता दूं कि जॉली रेड्डी एक करके हैं कैरेक्टर विलेन का, उनका असली नाम है धनंजय। जी हाँ, धनंजय नाम है और वो रियल में तो धनंजय नाम है बट इस फिल्म के कैरेक्टर की बाद करें तो उसमें जॉली रेड्डी नाम है। सो गाइज बहुत सारे इसे मैं आगे चल बताऊंगा कि हीरोइन का असली नाम, पूरा नाम क्या है, इस फिल्म में क्या नाम है, वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, बहुत कुछ क्लियर करना है आप लोगों को। सो गाइस मेरे वीडियो से बने रहिए, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो तोड़ दो बटन लाल वाली और सब्सक्राइब कर लो, आप बेल आइकन घंटी दबा लेना भाई, क्योंकि वो दबाओगे तो मेरे से बातचीत हो पाएगी आप लोगों को, और चाहे मैं भी चाहूँगा कि आप लोगों से मेरी बातचीत होती रहे, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करते रहो। चलो गाइस अब बता दूँ कि स्टार्टिंग में इस फिल्म में जो तीन खास नाम रखे जा रहे हैं वो है अल्लू अर्जुन, अर्जुन का, फहाद फासिल का और रश्मिका मंदाना मंदाना। ठीक है गाइज, अब इसकी बात करें तो कितनी भाषा में रिलीज हुई है ये भी तो आप जानना चाहेंगे, तो इंडिया में एक हिंदी भाषा, तेलुगु भाषा और भी भाषाएं मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिलहाल तेलुगु और इंडिया में तो धमाल मचा दिया है। इसके जो राइटर हैं, आप बोलेंगे ना कि राइटर सुकुमार जी हैं तो फिर वो डायरेक्टर वो नहीं होंगे, नहीं, आपको बता दूं कि इसके जो राइटर हैं, जो इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट पूरी ढांचा तैयार किया अपने छोटे से कलम से और अपनी दिमाग की ताकत से, वो हैं सुकुमार सर। और देन उसके बाद जो डायरेक्टर की बात करें, एक एक चीज को याद रखें, आपको याद होगा कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैसे चल रहे हैं, आपको पता ही होगा कि उनका लेफ्ट या शायद राइट हैंड जो शोल्डर है वो ऊपर को होता है, कौन सा होता है आप जरा बताइएगा, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड ऊपर को तरफ होता है। और जो डांसिंग स्टेप की बात करें तो चलिए इसको मैं आगे बताऊंगा, जो लंगड़ा वाला डांस स्टेप है वो कौन से कोरियोग्राफर का है। देन आपको अभी मैं बता दूं कि सुकुमार जो सर हैं वो इस फिल्म को लिखे भी हैं और डायरेक्टर भी वही हैं, एक एक चीज़ को ध्यान रखें कि कैसे लकड़ियों को सारे गिराने हैं और समुद्र के तट पर
ले जाना है, नदी के द्वारा इसको बहाव करना है, और फिर एक बांध होगा, बांध को बंद करना है ताकि लकड़ी उसको आगे ना जाए। देखिए सारी चीज़ें जो करने वाले और कराने वाले लिखने वाले हैं वह सुकुमार सर। सो गाइज आपको आपको सुकुमार सर के लिए क्या कहना है आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, क्योंकि देखिए सुकुमार सर के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप पुष्पा को प्यार करते हैं। ठीक है गाइज, अब बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर की, इस फिल्म में पैसे किन्होंने लगाया है, तो वो है नवीन यरनैनी। ठीक है, नवीन यरनैनी है, और दूसरा है वाई रविशंकर। जी हाँ, बहुत बड़े ये आदमी होंगे, इनके पास दौलत की कमी नहीं होगी जो इतनी बड़ी फिल्म के लिए इन्होंने पैसा दिया है, रुपए लगाए हैं, तो ये दो प्रोड्यूसर हैं। देन उसके बाद करेंगे, देखो हर चीज़ बन जाती है गाइस, हर चीज़ बन जाने के बाद अब होता क्या है कि अगर हम उस चीज़ को छांटे नहीं, काटे नहीं, तो फिर फिल्म का वो चीज़ें नहीं निकल के आ पाती है। हालांकि डायरेक्टर के देख रेख में होता है एडिटिंग की बात कर रहा हूँ, बट ये एडिटर जो है तो बड़ा ही कमाल की चीज़ होते हैं, उनको क्या चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ें उड़ानी है, कैसे उसमें वीएफएक्स वगैरह वगैरह डालने हैं, ये बड़ी ही बहुत ही मैं बात करूँ तो बहुत ही एक माइंड ब्लोइंग बात है। सो गाइस मैं आपको बता दूँ कि इसके जो एडिटर हैं उनका एडिटर का नाम जानना चाहेंगे आप, उनका एडिटर का नाम है कृतिका श्रीनिवास। जी हाँ, एक देखने वाला नॉर्मल बंदा, पतले दुबले से हैं ये, और उन्होंने इसको एडिटिंग किया, इसमें सारे जो बेफेक्स वगैरह है और जितने भी कलर करेक्शन किए और एनजी शॉट को निकाला है, तो वो हैं श्रीनिवास जी। सो गाइस वाह क्या बात है। अब चलते हैं डायरेक्टर की बात कर लिए, अब एडिटर की बात कर लिए, अब बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर की। तो जी हाँ, म्यूजिक भी आप लोगों ने सुना ही होगा, आप लोगों ने AR रहमान की म्यूजिक सुनी होगी, और फिर ये म्यूजिक सुना होगा तो आपको लग रहा होगा कि हाँ वाकई कहीं ना कहीं से उन्हीं के भाव और उन्हीं के चीज़ों को यहाँ पे बहुत ही बारीकी से रखा गया है। तो ये फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं देवी श्री प्रसाद जी। हाँ देखिए कितना प्यारा सा नाम है, देवी श्री प्रसाद। तो ये इन्होंने म्यूजिक दिया इस फिल्म में, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत अच्छे अच्छे गानों पर म्यूजिक कंपोज किया इन्होंने, तो ये मायने रखता है अपने आप में। सो गाइस अब बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की। आप कहेंगे कि मैं तो आज देख रहा हूँ, आज सुन रहा हूँ, आज मुझे पता चला, तो आपको क्लियर कर दूँ कि 17 दिसंबर 2021 में ही इस फिल्म का रिलीजिंग डेट हो गया था। जी हाँ, और काफ़ी टाइम हो गया इस फिल्म को, और आज भी इतना क्रेज़ है कि आप लोग उस क्रेज़ की वजह से ही मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं पता है आप लोगों को बता दूं, मैं ही नहीं, कोई भी इनके ऊपर कोई फिल्म में कोई वीडियो बना रहा है तो खचाखच व्यूअर्स आ रहा है, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है इस वीडियो को लेकर। तो सो मैं भी सोचा कि आप लोगों से कुछ गपशप हो जाए और इसके बारे में मैं अपना ओपिनियन रखूं। सो गाइस मैंने रखा, आप लोगों को शायद अच्छा ही लग रहा होगा, अब तक मुझे नहीं लग रहा होगा कि मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूँ, हालांकि मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ और आप लोगों का साथ मिल रहा है, अपने ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। सो गाइस थैंक यू इसके लिए। अब बात कर लेते हैं कि बजट की बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बजट के बाद कितनी अर्निंग हुई ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि अब तक कितने अर्निंग हो चुके हैं। सो गाइज कहने को तो ये फिल्म जा रही है 2.5 अरब की। जी हाँ, 250 करोड़ की जा रही है फिल्म यानी बजट में। सो गाइज मुझे नहीं लगता, यहाँ पे लिखा हुआ है सो मैं बता रहा हूँ, बट इतना नहीं, क्योंकि देखो अगर इतना होगा तो ये फिल्म फ्लॉप माना जाएगा, क्योंकि इतना अर्निंग नहीं निकल पाया है, कलेक्शन नहीं हो पाई है। तो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगा कि इस फिल्म की एक्चुअल जो लागत है वो कितनी हुई है, और इसकी पूरी मैं आपको बजट भी बताऊँगा, कलेक्शन भी बताऊँगा कि कितनी कलेक्शन हुई है। सो गाइज रहेगा मेरे साथ, चलते हैं आगे की तरफ जो खास होगा, इससे छोड़ेगा नहीं वीडियो को, छोड़ेंगे तो दोस्त मुझे नहीं लगता कि आप सही चीज़ें जान पाएंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिलती है एक नहीं कई साइडों से सर्च किया हुआ चीज़ें, जो कि सर्च करके पूरी तरीके से मैं लिखा हूँ, और लिखने के बाद सामने मेरे पास कंप्यूटर भी है जहाँ पे मैं गूगल से सर्च कर रहा हूँ, विकिपीडिया से सर्च कर रहा हूँ, और आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। सो गाइस बहुत ही कुछ अमेजिंग बोलने वाला हूँ, अमेजिंग बताने वाला हूँ, आप लोग जुड़े रहेगा हमारे वीडियो से, चलते हैं आगे की तरफ। सो गाइस आप लोगों को बताते चलूँ कि ये फिल्म साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की है। अब आपको बता दूं कि अभी तक ये कितना कलेक्शन किया है, इसको जानने की आप लोगों की बड़ी दिल में वो हो रही होगी। सो आपको क्लियर कर दूं कि बहुत अच्छी कलेक्शन रही है इस फिल्म की, अभी तक की कलेक्शन जो सामने सो रही है वो सो मैं बता रहा हूँ, और फिर आगे मुझे कुछ और भी बताना होगा कि कितनी तक हुई। सो गाइस मैं आपको क्लियर कर दूं कि 390 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की है ये मूवी, मगर एक्चुअल में इसकी क्या अर्निंग हुई है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। आपको बता दूँ कि ये फिल्म लॉकडाउन के दौरान रिलीज़ हुई है। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान रिलीज हुई है, फिर भी कमाल मचा गई, धमाल मचा गई। जी हाँ, आपको क्लियर कर दूँ कि लॉकडाउन भी देखिए कुछ ऐसे जो सिनेमा है जहाँ सिनेमे पे, तो आपको क्लियर कर दूँ कि जो सिनेमा में देखा, मेरे पास की बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ में मेरे पास में एक सिनेमा हॉल था जो कई टाइम से कितने टाइम से बंद हुआ पड़ा था और लॉकडाउन के टाइम से बंद पड़ा हुआ था, मगर जैसे ही फिल्म लगा तो उसने इस फिल्म को रिलीज़ किया, और गाइस आपको क्लियर कर दूँ बहुत अच्छी अर्निंग।
चलो गाइस, अब तो मजा ही आ गया। आप लोगों को इतनी अच्छी बात बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप लोग भी कहेंगे वाह यार, ऐसा भी हो सकता है क्या पुष्पा मूवी के साथ। जी हाँ, आपको बता दूं कि पुष्पा पुष्पा की जो टुटल है, ये बहुत बड़ी बात है कि पुष्पा के टुटल को अमूल जैसी बड़ी कंपनी ने शेयर किया। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये फनी टाइप का एक एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है और फनी टाइप का कार्टून वीडियो या कार्टून पिक्चर है, पिक्चर बनाई जाती है, सो उसको टुटल बोला जाता है। आपको बता दूं कि अमूल कंपनी ने अपने तरफ से पुष्पा मूवी की डूडल बनाकर शेयर किया है जो कि वायरल हो रहा है गाइस, वायरल हो रहा है। ऐसा गाइस वायरल हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग सर्च करेंगे पुष्पा डूडल तो आ जाएगा। अमूल कंपनी को ये राइट्स मिला है और अमूल कंपनी ये राइट्स लेकर डूडल बनाया है जो कि काफ़ी फनी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि फनी नहीं लग रहा है, उसमें ये दर्शाया गया है कि जिस स्टाइल में पुष्पा बैठे होते हैं इस फिल्म में, यानी कि अल्लू अर्जुन उसी टाइप के बैठे हुए हैं, और वहीं पर रश्मिका डांस नृत्य करते हुए नजर आ रही है। जब मैंने देखा तो वाकई में चौक सा गया कि अरे यार क्या चीजें निकल के आ रही हैं। फिल्म के कुछ ही दिन हुए और ये माहौल अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आपको क्लियर कर दूं कि आप 17 17 तारीख को रिलीज हुआ था, इससे 3 महीने 4 महीने पहले से ही इसकी बातें चर्चाएं चलती आ रही हैं और आज भी इतनी क्रेज बढ़ती जा रही है इस फिल्म को लेकर कि अमूल कंपनी जैसा एक ब्रांड ने डूडल बनाकर सोशल मीडिया पे शेयर किया है। तो आप देखिए, आपको सर्च सिंपल सा करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे जाकर आपको, या फिर गूगल पे जाकर सिंपल सा लिखना होगा अमूल कंपनी डूडल पुष्पा। जी हाँ, बस आपको आ जाएगा और आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये ट्विटल। सो गाइस, ऐसे ही टेस्टी टेस्टी इंटरेस्टेड मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा जो कि पुष्पा से रिलेटेड होगा। आपको इस फिल्म के कुछ बातें भी बताया और आगे भी बताऊंगा कि इस फिल्म में कुछ क्या क्या खास है जो कि हमें काफ़ी चौंकाने वाला लगा। हमें काफ़ी ऐसा लगा कि अरे यार ये चीज़ें बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलती है। चलिए गाइज, मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ उसमें से एक छोटे से चीज़ को, छोटी सी बातें। आप देखे होंगे मूवी शोले, शोले फिल्म आप देखे होंगे जिसमें गब्बर सिंह की बात करें तो गब्बर सिंह के साथ एक उनका आदमी रहता है जिसका नाम होता है शाबा। अरे ओ शाबा कितने आदमी थे, आपने ये डायलॉग सुना भी होगा और ये डायलॉग बच्चे बच्चे तक जानते हैं। ऐसा नहीं कल के बच्चे, आज के भी बच्चे जानते हैं शाबा कौन था गब्बर सिंह, सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ठीक, एक एक वहाँ पे कैरेक्टर झलकता है शोले फिल्म का, तो उसी तरीके से इस फिल्म का भी एक एक करेक्टर जो कि थोड़े भी टाइम के लिए आया है तो वो झलक रहा है हमारे आंखों में, नाच रहा है हमारे दिलों पे, राज कर रहा है। अब मैं बात करूँ तो अल्लू अर्जुन का पहले बात कर लेते हैं कि उनका जो सिग्नेचर दिया गया है वो काफ़ी उत्साहित करने वाला है, काफ़ी हमें आकर्षित करने वाला है। देखिए, आपको बता दूँ कि सबसे पहले कि जो उनका शोल्डर जो उठा हुआ रहता है पूरी फिल्म में, तो वो चीज़ें निकल के आ रही है कि यार क्या गेटअप है, किस तरीके से पर्सनालिटी को इनके डेवलप किया गया है। सो गाइज, वो अपने आप में एक मायने रखता है। सो गाइज, आपको बता दूं कि इस फिल्म के जो गाना है श्रीवल्ली, श्रीवल्ली गाने में आपने जो स्टेप देखा होगा वो स्टेप माइंड ब्लोइंग, लंगड़ा स्टेप है, बट वो लंगड़े स्टेप को भी बहुत अच्छे तरीके से फिल्मांकन किया गया। आपको बता दूं कि ये स्टेप एक नॉर्मल स्टेप है, इसकी जितने भी आप शॉर्ट वीडियो देख रहे होंगे तो आप भी सोच रहे होंगे कि यार कि मैं भी करूं इस स्टेप को, हालांकि आप ही नहीं मैं भी सोचता हूं और मैं भी एक बार ट्राई किया तो मेरे से बहुत अच्छा हो गया। इसलिए अच्छा हो गया कि मैं जैसा भी किया हूं मुझे अच्छा लगा, जब गाने पे उसको सेट किया, जब रील बनाया, जब शॉर्ट वीडियो बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी चाहे जैसे भी करें उस स्टेप को करेंगे और उस गाने को फिट करेंगे तो आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है। सो गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत से वो करिएगा। सो गाइज, आपने आपको बता दूँ कि श्रीवल्ली गाने का जो स्टेप है वो स्टेप दिए हैं बॉलीवुड के नामी गिरामी कोरियोग्राफर मास्टर डायरेक्टर गणेश आचार्य। जी हाँ, गणेश आचार्य जी का वो स्टेप था। आप देख रहे होंगे किस तरीके से एक कुल्ले को
शोल्डर को ऊपर उठाए हुए और पैरों को तिरछे किए हुए, एक पैर को फोल्ड किए हुए घिसकते हुए अल्लू अर्जुन जा रहे हैं और तब उनका चप्पल भी छूट जाता है। सेकेंड टाइम जब ये स्टेप कर रहे होते हैं तो बहुत सारी गांव की जो लड़कियां होती हैं वो दूर दराज से पानी भर के ला रही है। हालांकि उस गांव में पानी की भी बड़ी असुविधा है, दूर दराज से बस्ती वाले पानी को लाते हैं या फिर आसपास के बस्ती बस्ती में कुआं होता है वहीं से पानी उनको पीना पड़ता है। वहां जहां पे लोग रह रहे हैं बिजली बत्ती पानी की असुविधाएँ हैं, क्योंकि इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो दिखाया गया कि वो लोगों की कहानी है जो लोग जंगलों के समीप रहते हैं, जो कि आदिवासी भी कह सकते हैं इस टाइप के जो लोग होते हैं, उन एक कोने में पड़े रहना पसंद करते हैं, उन वो शहर तक आने में उनको काफ़ी टाइम लगता है, ऐसे सिचुएशन को दर्शाया गया है। सो गाइस वो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। एक और अमेजिंग बात बताने वाला हूँ गाइस, वो ये है कि आप देखे होंगे कि अल्लू अर्जुन जो हैं जो अपने दाढ़ी के ऊपर हाथ को जो ले जाते हैं और राउंड करते हुए दाढ़ी के अपने हाथों को निकालते हो गाइस, अब एक बार करके दिखाओ, आप करके दिखाओ या करो, करोगे तो बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा गाइस। इनके जो लंगड़ा डांसिंग स्टेप है या दाढ़ियों पर हाथ फेरना हो गया या कुल्ले को ऊपर उठाना हो गया, ये तीनों चीज़ अगर आप अलग अलग करके देखेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, आपकी जो थकावटें होगी ना मुझे नहीं लगता है कि वो दिखेगी झलकेगी, आप अंदर से फिट हो जाएंगे। सो गाइस ये भी एक देखने वाली बात है। गाइस मैं आपको ये बता दूं कि आप एक चीज़ नोट करे होंगे कि इस फिल्म में जो सेविंग रखे हैं अल्लू अर्जुन, वो सेविंग लास्ट तक रहता है और बड़े ही ध्यान रखा गया होगा। अब आपको ये ज़रूर बताना है गाइस कि वो जो उनका दाढ़ी मूछे हैं, उन्होंने पूरे फिल्म जब शूटिंग स्टार्ट हुआ से लेके लास्ट तक क्या उनकी वो दाढ़ी ओरिजिनल है और कहाँ तक इस फिल्म में ओरिजिनल होगी और या फिर ये नकली भी लगाया गया है, ये आपको क्लियर करना होगा। क्योंकि फिल्म जो है वो फिल्म कोई एक महीने की फिल्म नहीं है, इसका पार्ट टू में भी सेम गेटअप है, तो अभी भी शूटिंग चल रही है इसके पार्ट टू का, तो आप बता सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि वो गेटअप लेके कितने महीने तक अल्लू अर्जुन रहेंगे। तो आपको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि वो गेटअप जो दाढ़ी मूछ की है वो नकली है उनका या असली है, ये आप बताइएगा अपनी गेसिंग के हिसाब से। सो गाइस आप बोल रहे होंगे कि मैं तो फिल्म देखने आया था, मैं कैसे बताऊँ, तो मेरी नज़र से देख लो आप फिल्म को, देन उसके बाद आपको ही बता दूँ कि अगर आप फिल्म को नहीं देख पा रहे हो तो गाइस मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप प्राइम पे जाना, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना और इस फिल्म को फुल HD में देखना गाइस। आप इधर उधर को देखने से अच्छा है कि वहाँ देखो। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड सर्किल में अपने रिलेशन सर्किल में आप वो फिल्में देख सकते हो जो उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है, क्योंकि ये फिल्म मुझे नहीं लगता कि छोड़ना चाहिए होंगे। सो गाइस आपको यहाँ पे बता दिया कि डुड्डल का क्या कारनामे चल रहे हैं, वायरल हो रहा है। हालांकि जो पुष्पा नाम का जो ट्यूटर है उस ट्यूटर पे भी ये रैंक कर रहा है डुड्डल, जो अमूल कंपनी ने अपने तरफ से बनाया है। सो बाप रे बाप, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है इन सारी चीज़ों को बड़े बड़े कारनामे देख के इस फिल्म को लेकर। सो गाइस इससे पहले भी मैं इसके लिए बनाया था गाइस, मैं इसके लिए बनाया था, वीडियोस बनाई थी, वो वीडियो तो खैर आप लोगों को इतना मज़ा नहीं आएगा, बट ये वीडियो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं उस टाइम से लेके अभी तक बहुत चीज़ें सर्च किया पुष्पा को लेकर और वो सर्च आपके सामने रख रहा हूँ। गाइस जो सीन की बात करें, जहाँ चंदन की लकड़ियाँ जब छापे मारे जाते हैं तो वहाँ पे चंदन की लकड़ियों का भी बहुत ही डेंजरस सीन है कि चंदन की एक भी लकड़ी अगर मिल जाती है पुलिस वालों को तो पुलिस वाले ऐसी तैसी करने वाले थे उस गैंग को जो कि तस्करी करना है, जिनमें शामिल थे अल्लू अर्जुन भी, बट उस पर बहुत ही कम समय होता है अल्लू अर्जुन के पास। पुलिस उधर से आ रही है छापा मारने के लिए, इधर से अल्लू अर्जुन को खबर पहुँच जाती है कि पुलिस वाले आ रहे हैं, तो
अल्लू अर्जुन, जबकि लकड़ियों की ढेरों लगी है, इतने बड़े बड़े शाखाएं लकड़ियों की लगी हुई है और पास में नदी है और वहां पर सारे लकड़ियों को छुपाना है, हटाना है। तो इस दौरान अगर वो पुलिस वाले लकड़ियों को पकड़ लेते हैं तो साथ ही साथ वहाँ के जितने भी गैंग वाले हैं सब पकड़े जाते हैं चंदन की तस्करी में। फिर उनके साथ क्या होने वाला था ये तो आप समझ ही सकते हैं। ऐसे में क्या करते हैं अल्लू अर्जुन, सारे लकड़ियों का दावा करते हैं कि एक भी चंदन की लकड़ी यहाँ पे मेरे रहते हुए नहीं दिखेगी, पुलिस वालों के आने आने तक मैं सारे लकड़ियों का मैं छुपा दूंगा, सफाया कर दूंगा, हटा दूंगा। तो ऐसा ही करते हैं। उधर पुलिस वाले पूरी फौज के साथ आ रहे होते हैं तस्करी वाले उस अड्डे पे जहाँ पे चंदन की बहुत सारी लकड़ियाँ रखी होती हैं। तो वहीं पर एक एक करके सारे लकड़ियों को पूरे टीम के साथ अल्लू अर्जुन नदी में फेंकते चले जाते हैं। आप वो सीन देखे ही होंगे गाइस ट्रेलर में, तो उस सीन की तो पूरी बात आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया बना रहे कि क्या होने वाला था वहाँ पे, यही चीज़ होने वाला था जो मैं बता रहा हूँ। सो गाइज होता क्या है कि वहाँ पे सारी एक एक करके लकड़ियाँ जैसे जैसे करीब आ रहे हैं पुलिस वाले, वैसे वैसे अल्लू अर्जुन अपनी टीम के साथ सारी लकड़ियों को नदी में फेंक देते हैं और अपने दोस्त जो उनका बहुत परम मित्र हैं उस मित्र को वो बोलते हैं कि तू जा उस बांध वाले के पास, जो कि बांध को उठाए रखता है और सारी नदी के पानी एक जगह से दूसरे जगह जाती है और जब ढक देता है तो बांध के पानी वहीं के वहीं रह जाती है। तो ऐसे में इधर इधर सारे लोग नदी में सारी लकड़ियों को डालने में लगे हुए हैं और साथ ही साथ दोस्त जा रहा होता है बड़ी स्पीड में जाता है, पुलिस वालों से छुपते छुपाते जाता है और बांध वाले को बोलता है कि बांध को नीचे कर दो ताकि पानी रुक जाए। पानी रुकेगा तो जो नदी पे जो तैरती हुई लकड़ियाँ आ रही थी वो आके नदी के बांध के पास रुक जाएगी। ऐसे ही करता उसके मुंह पे बहुत सारे रुपए फेंके जाते हैं और पैसे को देखते ही बांध वाला जो कर्मचारी होता है बांध को बंद कर देता है और जितनी भी चंदन की लकड़ियाँ दूर से तैरती हुई आ रही थी वो आके इकट्ठा हो जाती है और ऐसे में चंदन की लकड़ी भी बच जाता है और पुलिस वालों को पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पर तस्करी के चंदन की लकड़ियाँ रखी गई है। सब लोग अपने काम पे लग जाते हैं, पुलिस वाले की एंट्री होता है तो देखता है कि अरे यहाँ पे तो कोई लकड़ी है नहीं, मगर उसको शक होता है कि जब ये लोग हैं तो लकड़ियाँ भी होगा। फिर देखते हैं छानबीन करते हैं तो उनको कोई भी लकड़ियाँ चंदन की नहीं मिलती है। सो गाइस पुष्पा का ये कमाल और ये जो अंदाज है काफ़ी माइंड ब्लोइंग है गाइस। ये देखने के बाद वो सीन देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर वो पावर आ गया है, हमारी सारी कमियां, हमारी सारी जो थकावट है वो निकल गई, जो एनर्जी दिखाया जा रहा है वो माइंड ब्लोइंग है। आपको बता दूं दोस्तों कि वो सीन के में यही चीज़ें थी जो मैं आपको क्लियर कर दिया, चंदन की लकड़ी को बचाना था और खुद बचना था नागार्जुन को, अल्लू अर्जुन। सो गाइस ये यहाँ पे ये सीन चीज़ें हैं। तो गाइस एक एक सीन में जान है, एक एक सीन अगर आप छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से अफसोस होगा। तो आप जब बैठेंगे इस फिल्म को देखने के लिए तो पूरी की पूरी फिल्म को आपको कबार के फेंक देना है, जी हाँ। सो गाइस कुल मिला के वो सीन क्लियर कर दिया, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग सीन है आपको क्लियर करूँ दोस्तों कि अक्षय कुमार की एक मूवी है, उस मूवी का नाम है राम सेतु, जी हाँ राम सेतु फिल्म है और राम सेतु की थोड़ी सी अपडेट आपको देना चाहूँगा। जी हाँ इन दिनों कई प्रोजेक्ट को लेकर बिजी चल रहे हैं, अपनी फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं अक्षय कुमार। इस साल वो बैक टू बैक कई फिल्में में नज़र आने वाले हैं, उनकी आने वाली फिल्मों में एक राम सेतु भी शामिल है। पिछले दिनों ही अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म की शूटिंग शुरू की है, जी हाँ राम सेतु की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस बीच को लेकर वो बड़ी खबरें सामने आई है, वो खबर आप लोगों के बीच रखने वाला हूँ। आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि ताज़ा खबरों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि अभिनेता अक्षय कुमार राम सेतु के लिए खतरनाक अंडर वाटर सीन करने वाले हैं। जी हाँ अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर करेंगे ये शूट। अक्षय कुमार की मोस्ट एविटेड फिल्म राम सेतु के लिए खतरनाक अंडर वाटर सीक्वेंस करते हुए नजर आएंगे। इस सिक्वल की शूटिंग इस महीने के आखिरी तक की जाएगी, यानी कि ठंडी में उस चीज़ को करेंगे अक्षय कुमार। राम सेतु फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। आपको क्लियर कर दूँ कि निर्माता इंटरनेशनल क्रू को हायर किया है, यानी कि इंटरनेशनल पर्सन यहाँ पे इंटरनेशनल आए हुए हैं यहाँ पे डायरेक्टर जो डायरेक्ट करेंगे इस सीन को लेकर जिसमें वो सीन करने वाले हैं।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि मुंबई में आउटडोर और इंडोर की शूटिंग चल रही है। अगर राम सेतु की बात करें तो फिल्म का निर्देशक जो दे रहे हैं वो है अभिषेक शर्मा। जी अभिषेक शर्मा करें इस फिल्म के डायरेक्शन। माइथोलॉजी फिल्म होने वाली है ये, जिसमें अमृता अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट के किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म में अक्षय कुमार को गुफाओं से राम सेतु की लोकेशन तक पहुंचते हुए दिखाया गया है। जी हाँ, गुफा भी दिखाई देगा इसमें, बड़े बड़े गुफा भी दिखाई देंगे आप लोगों को, जिसके अंदर आपको क्लियर कर दूं कि अक्षय कुमार जाते हुए नजर आएंगे। बता दें आप लोगों को कि अक्षय कुमार के साथ अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस है इस फिल्म में, और नुसरत फरूचा भी मुख्य भूमिका में है। कौन सी है? नुसरत फरूचा भी मुख्य भूमिका में है। और हालांकि कुछ दिन पहले अक्षय कुमार ने फिल्म की दीव शेड्यूल की शूटिंग को ख़त्म किया है। बता दें इस फिल्म की शूटिंग इस साल के शुरू से ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में मुहूर्त हुई थी, बाद में शूटिंग की शुरुआत की गई थी। तो जहां राम सेतु का नाम है तो अयोध्या में इसका मुहूर्त हुआ है, तो ये बड़ा शुभ माना जाएगा। सो गाइस, पुष्पा की बात करें तो पुष्पा तो अभी तक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, और ये रिकॉर्ड जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी थमेगा कब? जब या तो आमिर खान की फिल्म आ जाए, या फिर सलमान की फिल्म आ जाए, या अक्षय की फिल्म आ जाए, या फिर अजय देवगन की फिल्म आ जाए, तो शायद ये थम जाएगी। बट इसका क्रेज़ जो है धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। आपको क्लियर कर दूं गाइस कि इसके जो फैंस फॉलोइंग हो रही है गजब की हो रही है भाई, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धका धक लोग देखते जा रहे हैं इस फिल्म को, जिस फिल्म का नाम है क्या? हाँ, इस फिल्म का नाम है पुष्पा। यस, पुष्पा। पुष्पा फूल नहीं है, पुष्पा क्या है? हाँ, आप खुद ही बता देते हैं, क्योंकि आपके हमेशा ये डायलॉग याद रहने वाला परोसा गया है। जी हाँ, पुष्पा फ्लावर है ना, क्या है? पुष्पा क्या है? पुष्पा फायर है। सो गाइस, आपको बता दूं कि इसमें एक अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इस फिल्म को, इस फिल्म के बारे में जो आप लोग को जान लेना चाहिए। गाइस, मैं आपको बता दूँ कि पुष्पा एक्ट्रेस अनुष्या भारद्वाज, आप इनको जानते हैं नहीं जानते हैं, जो विलेन की पत्नी बनी हुई हैं और छोटे छोटे बाल रखी हैं, बड़ी सी बिंदी लगाई हैं, और जो काली दिख रही हैं बट सांवली हैं, तो आपको क्लियर कर दूं कि उनका नाम है अनसुईया भारद्वाज। जी हाँ, भारद्वाज जी ने जो वहाँ पे एक्टिंग की है, माइंड ब्लोइंग। जी हाँ गाइस, माइंड ब्लोइंग है। गाइज, आपको बता दूं कि साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। उनकी फिल्म पुष्पा के बाद कौन सी फिल्म आप देखेंगे, ये जान लेना बड़ा ही ज़रूरी है। सो गाइज, मैं आपको पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन की कौन सी फिल्म आ रही है, OTT पे भी देख सकते हैं उसको, और साथ ही साथ सिनेमा हॉल में अगर खुली होगी तो देख ही लेंगे। तो आपको बता दूं गाइज कि वो फिल्म काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि पुष्पा के बाद हम पुष्पा पार्ट 2 देखेंगे अल्लू अर्जुन का। तो आपको ये क्लियर कर दूं कि पार्ट 2 आने से पहले एक फिल्म आने वाली है अल्लू अर्जुन की, जो कि आपको ये क्लियर करते चलूँ कि उसका नाम थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगेगा अगर आप हिंदी जानते हैं तो, अन्यथा अगर आप तमिल जानते हैं, तेलुगु जानते हैं तो आसान पड़ेगा। सीधे सीधे आपको बता दूं कि उस फिल्म का नाम है अल्लाह बैंकुंठपुर मलो। क्या बात है, कैसा नाम है? अल्लाह बैंकुंठपुर मलो। इसका हिंदी वर्जन आने वाला है गाइस, इसका हिंदी वर्जन जब आएगा तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि उसका नाम क्या होगा। सबसे पहले बता दूं कि उनका जो फिल्म है वो काफ़ी बम्पर हिट हो रहा है, बम्पर हिट हो भी गया और दुनिया भर में एक हिट का मिसाल कायम कर दिया पुष्पा ने। जी हाँ, इसके फैंस फॉलोइंग इतने बढ़ गए हैं और इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आपको बता दूं कि मेरे ये वीडियो आप देखने में देखोगे कि 1000 व्यूवर्स पार हो गया, मगर 1000 लाइक भी चाहिए गाइस, आप लाइक फटाफट से कर लो, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बता दूं कि उनका जो आने वाला फिल्म है वो है अल्लाह बैंकुंठपुर रामुलो। देखो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये तमिल वमिल होगा। चलिए ठीक से एक बार और इसका मैं हिंदी बता देना चाहता हूँ। फिलहाल एक बार और आप लोग मेरे साथ बोलिए, उनका आने वाला कौन सा फिल्म है? अल्लाह बैंकुंठपुर रामुलो। अब इसका हिंदी में आएगा तब आपको मजा आएगा, तो हिंदी में भी देख लो भाई, हिंदी में ही आने वाला है। हिंदी में आएगा तो इस वाले का जो आपने देखा था पुष्पा, उसमें तो डबिंग किए थे तलपड़े जी, श्रेयस तलपड़े ने, जो नागर सॉरी अल्लू अर्जुन का जो वॉइस ओवर है उनका उन्होंने किया था। बट इस फिल्म में कौन करेंगे उनका वॉइस ओवर, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूँ कि
ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा हो रहा है अल्लाह बैंक्वेट फॉर मलो का। सो आपको बता दूँ कि 26 जनवरी को ये फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज हो जाएगी। जी हाँ, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप देखेंगे अल्लू अर्जुन का दूसरा फिल्म। जी हाँ, हालांकि वो तमिल और तेलुगु भाषा में तो रैंक कर ही रहा है, अब हिंदी में भी 26 तारीख को जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। मगर हाँ, आपको बता दूँ कि उसका नाम हिंदी में अल्लाह बैंक्वेट फॉर मलो ना होगा, बल्कि उनका नाम रखा जाएगा। और इसका नाम क्या रखा जाएगा मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मगर 26 तारीख को आप अगर पुष्पा नहीं देखें तो पुष्पा देख के ख़त्म कर दो आप, क्योंकि आपको सेकंड अल्लू अर्जुन का देखना है। हाँ भाई, मैं ये नहीं बताऊँगा इसमें कि अल्लू अर्जुन का गेटअप कैसा होगा। जी हाँ, अभी आपने इस फिल्म में गेटअप देखा तो एक आदिवासी के गेटअप में दिखाई दे रहे थे, उसमें क्या होगा ये मैं आगे चल के आपको बता रहा हूँ। सो गाइज, एक और बीच में ब्रेक लेना चाहूँगा, और ये ब्रेक इसलिए लेना चाहूँगा कि ऑस्कर अवार्ड में यूट्यूब फिल्म जय भीम चली गई है, अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, सूर्या का फिल्म है जिसका नाम है जय भीम, वो ऑस्कर में जा चुकी है। जी हाँ, वहीं पे अगर बात करें तो आपको क्लियर कर दूँ कि आमिर खान की फिल्म फिर से टल चुकी है, यानी ये रिलीज होने वाला था और ये फिल्म टल चुकी है। अब आप कहेंगे आमिर खान की कौन सी फिल्म आ रही है जो टल चुकी है? गाइज, आपको क्लियर कर दूं कि उस फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा, इस फिल्म को टाल दिया गया है, यानी ये रिलीज होने वाला था, अब इसका रिलीजिंग डेट बढ़ गया है। हालांकि दोस्तों, आपको क्लियर कर दूं कि रिलीज नहीं होना ही ठीक था, क्योंकि पुष्पा के आगे तो शायद ही टक्कर तो होती ही होती गाइज, मगर कहीं ना कहीं से दोनों को लॉस होता है, इसलिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। डोंट माइंड गाइज, कोई दिक्कत नहीं, हम एक और आपको खबर बता देना चाहते हैं। साथ ही साथ की पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन की फिल्म अल्लाह बैंक्वेट फॉर मलो हिंदी वर्जन आने वाला है। सो गाइज, आपको ये क्लियर कर दूं कि अभी चिरंजीवी की फिल्म कोरोना के चलते थोड़ा पेंडिंग पड़ी हुई है, जिस फिल्म का नाम है आचार्य। जी हाँ, आचार्य बहुत अच्छा नाम है, और इसमें चिरंजीवी स्टारडम एक कलाकार आपके बीच आने वाले हैं फिल्म लेकर। जी हाँ गाइज, अब दोस्तों आपको भी क्लियर करते चलूँ कि अमेजिंग प्राइम पर आपको देखना होगा अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा। जी हाँ, क्रेजी फैंस तो छोड़ेंगे नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि एक छोड़ने वाली बात हो ही नहीं सकती गाइस। आपको बता दूँ कि आप लोग वही चीज़ तो देखने आए हैं, मगर आपको बहुत सारी जानकारी मैंने दे दिया कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, जेन्युइन तरीके से आप इस फिल्म को देखना चाहेंगे। तो आपको भी क्लियर कर दूँ कि OTT पर हिंदी में रिलीज हुई पुष्पा, साथ ही साथ ये चार भाषाओं में, जी हाँ गाइस, चार भाषाओं में ये आपके बीच है फिल्म। कितने भाषाओं में? चार भाषाओं में। जी हाँ, जान लेना चाहिए आप लोगों को कि कौन कौन सी भाषाएं हैं जिसमें ये रिलीज़ हुई है। जी हाँ, पहले तो बता दूँ पुष्पा हिंदी में, क्योंकि हमारा हिंदी चलता है, हिंदी हम और आप समझ लेते हैं ठीक ठाक। वैसे तमिल भाई भी देख रहे होंगे, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु वाली भी देख रहे होंगे, सबको धन्यवाद, सब्सक्राइब कर दो भाई, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। चलो जी, बता दूँ कि हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में, जी हाँ, किस में कन्नड़ में, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, हिंदी में, फिर से बोलता हूँ, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में और कन्नड़ में, पूरे चार भाषाओं में इसको डब करके रिलीज किया गया, चार भाषाओं में दौड़ लगा रहे दौड़। तो गाइस, अब आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, आप लोग सोचो कितनी बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ, कितनी अंदरूनी बातें बता रहा हूँ, तो फटाफट से आप शेयर लगा दो वीडियो को, शेयर लगाओ फटाफट से, लगा दो ये फिल्म, क्योंकि ये जो फिल्म है ना, ये फ्लावर नहीं है, फायर है, फायर, लगा दो भाई, शेयर लगा दो बट से, और शेयर लगाने के बाद आप लोग अगर फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हो इस वीडियो को तो लाइक करो, कमेंट करो, ये करना भूलना मत। देखो भाई, कमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, मगर आए हो तो ठोक के जाओ कोई ना कोई, है ना, दिक्कत नहीं है भाई कि आप लोगों को फिल्म देखने आए हो तो आप लोगों को यहाँ पे रिव्यू सुनने को मिल रहा है, तो ऐसा मत सोचना भाई। अगर आप लोग पुष्पा के फ़ैन हो, अल्लू अर्जुन के फ़ैन हो, रश्मिका फहद का फ़ैन हो, इस फिल्म के पूरी टीम का फ़ैन हो, तो मार दो कमेंट, जो भी मानना हो लाइक मार दो, डिसलाइक मार दो, शेयर ज़रूर लगा दो, ठीक है भाई, शेयर लगाओ फटाफट से, आगे मैं आगे आप लोगों को और चीज़ें बता रहा हूँ। सो गाइस, आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इस फिल्म का हीरोइन जो है वो है रश्मिका, और रश्मिका का पूरा नाम मैं आगे चल के बता रहा हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि करण मल्होत्रा की एक रणबीर कपूर की फिल्म रिलीज होने वाली है OTT पे। जी हाँ, सिनेमा हॉल पर नहीं देख सकते हैं, OTT पे, जिस फिल्म का नाम है शमशेरा। जी हाँ, शमशेरा देखेंगे आप,
शमशेरा आप लोगों को मिलेगा OTT पर देखने के लिए। यानी कि एक के बाद एक बॉलीवुड फिल्में OTT पर रिलीज हो रही है गाइस, आपको घबराने का नहीं। सिनेमा हॉल में जाने की जिसको प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, आप लोग देख रहे हैं OTT पे। जी हाँ, मैं हूँ कहाँ पे, यूट्यूब पे। सो गाइस, यूट्यूब और इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि फेसबुक पर भी डाल दूँ। आप लोग को पता ही होगा भाई कि आप लोग अजय देवगन को देखने वाले हैं कौन से फिल्म में, RRR में। तो RRR का भी मैं रिव्यू लेके आने वाला हूँ। फिलहाल ही पुष्पा का रिव्यू चल रहा है, जो अभी आ रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए। तो मैं उनको बता दूं कि अजय देवगन की एक नई फिल्म की शुरुआत हो गई है, बट अभी आ रहे हैं तो बता दूं कि पीछे और आगे भी चलेगा पुष्पा का रिव्यू। पर बीच बीच में आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, बनता है क्यों, बनता है। चलिए गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि अजय देवगन को आप लोग RRR में तो देखेंगे ही, साथ में RRR में वो दो कलाकारों के साथ है, दो एक्टर के साथ है। वहीं पर सिंगल उनकी जो फिल्म आ रही है वो फिल्म का शूटिंग स्टार्ट हो चुका है, और वो फिल्म रीमेक है। जी हाँ, रीमेक है, यानी कि वो फिल्म पहले बन चुकी है, उसी फिल्म का यहाँ पे रिमेक होने वाला है जिसमें अजय देवगन होंगे। जी हाँ, और दमदार एक्टिंग में दिखाई देंगे। जी हाँ, वैसे भी शानदार एक्शन के साथ एक बढ़िया फिल्म बनाने वाले अजय देवगन एक्टर हैं। अब आपको बता दूं कि बहुत ही चर्चित फिल्म है। जी हाँ, बहुत ही चर्चित फिल्म है, और वो चर्चित फिल्म का नाम है कैंथी। जी हाँ, कैंथी नहीं सुने, कोई बात नहीं, कैंथी नहीं सुने तो कैंथी सर्च करो फटाफट से, उस फिल्म को देखो आप भाई, फटाफट से देख लो आप। उसी फिल्म का यहाँ पर रीमेक बनाने वाले हैं अजय देवगन। जिस फिल्म का नाम कैंथी नहीं होगा, उस फिल्म का नाम होगा भोला। जी हाँ, भोला। जी हाँ, आपको बता दूँ कि भोला के नाम से अजय देवगन की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि रीमेक है कैंथी की। जी हाँ, आपको क्लियर कर दूँ कि ये फिल्म एक एक्शन मूवी भी हो सकती है। जी हाँ जी हाँ दोस्तों, आपको अब लेके चलता हूँ पुष्पा की तरफ फिर से, उसके बाद लेकर आऊँगा बहुत अच्छी बातें। जी हाँ, अमेजिंग एक अपडेट है, वो अपडेट आपको बता देना चाहता हूँ पुष्पा को लेकर, कि पुष्पा फिल्म का जो कुछ सीन की बात करें तो उसमें एक सीन होता है, वो सीन बड़ा दर्दनाक होता है। वो आप लोग ट्रेलर में भी देखे होंगे कि चंदन की बहुत सारी लकड़ियाँ अपने अड्डे पे रखी हुई होती है, और वहाँ पड़ता है पुलिस का छापा। जी हाँ, पुलिस का छापा पड़ता है। आपको सीन बता दूँ, सीन को ध्यान में रखिएगा, सीन को ध्यान से सुनना भी है आपको। जी हाँ, अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर कहीं ना कहीं से आप मिस कर जाएंगे। गाइज, आपको बताते चलूँ कि अल्लू अर्जुन की और रश्मिका मंदाना की, सॉरी अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा द राइज इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है भाई, इतना ट्रेंड कर रहा है भाई कि क्या बताऊँ। फिल्म में गाने से लेकर ट्रेलर में भी धमाल मचा दिया है। जी हाँ, गाने धमाल मचाए ही थे, साथ ही साथ ट्रेलर भी धमाल मचा दिया, और फिल्म तो धमाल ही मचा रहा है। फिल्म तो एक बंदा कितने बार देख रहा है इसके तो कल्पना मैं नहीं कर सकता, आप खुद बता सकते हैं। एक एक बंदे 5-5 बार 10-10 बार इस फिल्म को देख रहा है। आपको क्लियर कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज डेविड वार्नर आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये कौन है। ये भी दीवाने हो चुके हैं पुष्पा के। जी हाँ, पुष्पा का जो स्टाइल है उसके दीवाने हो चुके हैं, और वो खुद करते हुए नज़र आए हैं अल्लू अर्जुन का स्टाइल। जी हाँ, अल्लू अर्जुन का स्टाइल वो खुद करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो गाइस, आप लोग सर्च करेंगे तो खुद आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। श्रीवल्ली पता नहीं कितने बार श्रीवल्ली कह के लोगों ने डांस किया। भारत तो फैंस हैं ही, मगर ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत सारे फैंस निकल के आ रहे हैं इस फिल्म को लेकर, जो कि अपने आप में एक रुतबा एक शान है। जी हाँ, तो गाइस आपको बता दूं कि OTT पे धमाल मचा रहा है, बार बार लोग जा रहे हैं उस फिल्म को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है, और जो सब्सक्रिप्शन नहीं लिए वो भी जा रहे हैं और अपने रिलेशन के वालों के पास जाके इस फिल्म को देख रहे हैं। सो गाइस, अपने आप में मायने रखता है ये फिल्म, और ये फिल्म तो फिल्म है भाई, क्योंकि ये फिल्म में कहीं से आपको बोरियत नज़र नहीं आ रही है। गाइज, आपको बता दूं कि इस फिल्म में एक गाना है जिस गाने का बोल है ओ अंतवा। जी हाँ, ओ अंतवा करके गाना है, उस गाने को गाए हैं आमिर अली और कृष्णा मुखर्जी। जी हाँ, आमिर अली और कृष्णा मुखर्जी उस गाने को गाए हैं, और ये गाना जब खुद से सुने हैं दोनों लोग, यानी कि आमिर अली और कृष्णा मुखर्जी, तो वो डांस करना शुरू कर दिया, और उनका जो वीडियो आया है इंस्टाग्राम पे वो काफ़ी वायरल हो रहा है। और आपको बता दूं कि बहुत सारे इसमें गाने और डांस स्टेप हैं जो एक अलग तरीके का है, और अच्छा लग रहा है यार। फिल्म
फिल्म के जो गाने हैं काफ़ी इंटरटेन करने वाले गाने हैं, और ये गाना भी आप सुने होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये टॉप 5 में चल रहा है और मैक्स मीडिया पे ये टॉप 5 पे गाना चल रहा है। जी हाँ, टॉप 5 पे है गाना, को आप लोग सुन लो, गाना वो आ भी गया होगा यूट्यूब पर। जी हाँ, उस गाने का जो बोल है मैं आपको बता दिया कौन सा गाना है। सो गाने को आप लोग सुनो, ओ अंतवा गाने का बोल है। सो गाइस, आपको बता दूं कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, और ये गाने कभी भुलाने वाले नहीं हैं, और ना इस फिल्म के जो गाने के साथ साथ जो डांसिंग स्टेप है ये भुलाने वाले हैं, ये भी भुलाने वाले नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये जो फिल्म है, फिल्म का हर पहलू आपको जान लेना चाहिए, हर पहलू काफ़ी काबिले तारीफ है गाइस। मैं आपको क्लियर कर दूं कि रोहित शेट्टी की सर्कस में पुष्पा के कंपोजर देवी श्री प्रसाद देंगे म्यूजिक। हाँ, रोहित शेट्टी के जो सर्कस है उस सर्कस में जो देवी प्रसाद इस फिल्म के जो म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो इसमें कंपोज करेंगे रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस में। जी हाँ, आपको कि देवी श्री प्रसाद ने इसमें म्यूजिक दिया है। म्यूजिक आप लोगों ने देखा ही होगा कितना मस्त म्यूजिक है, जगह पे जो चाहिए वो मिल रहा है, जिस कल्चर का ये फिल्म बना है उस कल्चर का म्यूजिक इन्होंने दिया है। सो गाइस, वाकई मानना पड़ेगा देवी प्रसाद को, वाह क्या फिल्म का म्यूजिक दिया है इन्होंने। तो रोहित शेट्टी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इनको सर्कस फिल्म में भी साइन कर लिया है। सो गाइस, अब उसमें भी देखो आप सर्कस में भी अच्छी म्यूजिक आप लोगों को मिलने वाली है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ और मिलेगा, मतलब इनके जो स्टाइल है वही स्टाइल मिलेगी, देवी प्रसाद का स्टाइल का म्यूजिक उसमें मिलने वाला है। सो आपको ये भी खुलासा कर दिया भाई कि रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस में पुष्पा के कंपोजर देवी श्री प्रसाद देंगे म्यूजिक। हाँ, खुशी हुई ना, चलो लाइक करो, शेयर करो आप लोग, और फटाफट से शेयर कर दो भाई। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ ताकि कुछ रह ना जाए, पूरी कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ। सो क्लियर करने से हो जाएगा कि आप रिलैक्स रहेंगे, फिल्म देखेंगे या देख लिए होंगे तो भी आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रिव्यू मैं फैक्ट कर रहा हूँ, रिव्यू मैं सही दे रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि अपनी मतलब का दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है गाइस, मैं आप लोगों को हर चीज़ें सर्च करके दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कतें ना आए, कोई ऐसा ना लगे कि हाँ यार मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई। तो मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, हर चीज़ को सर्च करके आपके बीच रख रहा हूँ, ताकि मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो और मिस्टेक आपसे भी ना हो। आप लोग अल्लू अर्जुन की इस फिल्म को हमेशा हमेशा याद रखें। सो गाइस, आपको बता दिया कि किस तरीके से तस्करी जो चल रही है, वो तस्करी का सरगना जो है अब अल्लू अर्जुन से खरीदने लगा है चंदन, जो कि वो खुद 1.5 करोड़ में खरीदता था, उनसे कोई 25 लाख में बेच रहा है, तो कोई 25 लाख वाल जो खरीद रहा है देके वो 1.5 करोड़ में बेच रहा है। अब ये कहाँ कहाँ जाती है चंदन की लकड़ियाँ, ये तो आप लोगों को पता ही होगा गाइस, ये छुपा नहीं है कि चंदन की लकड़ियाँ की कितनी बेशकीमती होती हैं, और कीमती इतनी होती है इनके जो इन लकड़ियों का जो सामान बनता है ना, जैसे गिटार वगैरह हो गए, काफ़ी कॉस्टली होता है, बड़े बड़े महंगे महंगे रेट में ही बिकते हैं। अगर आप चंदन की लकड़ी का लेंगे, आपको बता दूं कि ये जो माचिस होती है ना, सलाइयाँ होती हैं माचिस, वो भी चंदन की लकड़ियों का ही होता है। देखते हैं एकदम सा, पता नहीं 1 ग्राम 2 ग्राम होता है एक माचिस की डिब्बी में, और 1 रुपये का माचिस मिलता है, जबकि ओरिजिनल चंदन की नहीं होती है। तो हालांकि चंदन की लकड़ियाँ बहुत शुभ भी माना जाता है, ये पूजा पाठ में भी यूज़ किया जाता है। देखो आप एक डंडी डंडी सी लकड़ियाँ कितनी महंगी होती है, कितनी कॉस्टली मिलती हैं। तो इसका जो थीम है, इसका जो एक टॉपिक है, ये उठाना सबके बस की बात नहीं, सब तो यही फिल्म में इस तरीके का बहुत कम बनता है इस टॉपिक का। सो गाइज, आप देखें कि इतना हैवी टॉपिक है इसका। अब आपको बता दूँ कि ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, कि जितने भी अल्लू अर्जुन बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं, वो आवाज़ किसका है बताओ आप, किसका है पता है, बता दो आप। चलो मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, 1 मिनट नहीं, मैं 10 सेकेंड रुक जाता हूँ, आप बता दो कि आवाज़ किसका है। ओरिजिनल तो अल्लू अर्जुन का है नहीं, अल्लू अर्जुन जो अपने भाषा में किए हैं तेलुगु में वही उनका आवाज़ है, बट हिंदी में जो डब किए हैं वो कौन एक्टर हैं बॉलीवुड के जो कि आवाज़ दिए हैं अल्लू अर्जुन का, बताइए। वो हैं श्रेयस तलपड़े। जी हाँ, श्रेयस तलपड़े
बड़ी बड़ी फिल्में बॉलीवुड में बना चुके हैं। श्रेयस तलपड़े जो कि कॉमेडी फनी में आप लोग उनको देखे होंगे कई सारी फिल्मों में, अजय देवगन की फिल्में भी देखे होंगे बहुत सारी फिल्में उन्होंने, मराठी वगैरह बनाते रहते हैं, बॉलीवुड की फिल्में भी बनाते रहते हैं। श्रेयस तलपड़े तो उन्होंने दिया अल्लू अर्जुन का आवाज़, जी हाँ, जिसे वो काफ़ी खुश हैं इस फिल्म को मैं आवाज़ देने के बाद, जिस तरीके से उनके आवाज़ की सराहना हो रही है काफ़ी खुश हैं वो, बहुत खुश है भाई, इतना खुश है कि मत पूछो आप। वो हर सोशल साइटों पे आके बता रहे हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे आवाज़ को, आवाज़ की शॉर्ट वीडियो बनने लगे, रील्स बनने लगे, वाह भाई वाह क्या बात है। तो उन्होंने आपका उनका एक डायलॉग होगा जो काफ़ी उसके रील बन रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बन रहे हैं, कौन सा है बताओ आप, वो है पुष्पा फ्लावर नी फायर है। सो गाइस वो श्रेयस तलपड़े की आवाज़ काफ़ी सराहनीय है और बहुत मज़ा भी आ रहा है इस फिल्म में, जो आवाज़ की कशिश है, जो भरावट है वो दिखती है भाई, दिखती है और निकल के आ रही है। अगर हम भारद्वाज की बात करते हैं यानी अनुसुईया भारद्वाज की, तो वो विलेन की हीरोइन, विलेन की पत्नी की भूमिका में है और उनका जो एक रोल है काफ़ी दर्दनाक लगता है। और वो रोल कौन सा है कि जो ब्लेडर है, जो उनका जो राइट हैंड है, ब्लेड्स जो अपनी जुबान में हिलाते रहता है, वो एक पर्सन को मारता है, बहुत मारता पीटता है। और बड़ी रिलैक्स हो के वहाँ पे अनुसुईया भारद्वाज आती हैं और गिलास में ऑरेंज का पानी होता है और वो देती हैं, बोलती है कि बाद में मारना है इसको, पहले ये पी कर ठंडा हो जा। उस जगह पे उनको देखने में आ रहा है कि वाह क्या गजब 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 रिलैक्स होके काम कर रही हैं। आपको क्लियर कर दूं गाइस कि पुष्पा राज का रोल प्ले करने वाले अल्लू अर्जुन के चंदन तस्करी के मुखिया की पत्नी, जी हाँ मुखिया की पत्नी है ये, जिन्होंने निभाया है अनुसुईया भारद्वाज ने, वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग, क्या एक्टिंग यार, मुंह तोड़ जवाब दे दी कई सारी आर्टिस्टों की, एक्टिंग करने वालों की। सो गाइस आपको क्लियर कर दूं कि देश दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है तेलुगु स्टार कास्ट की लोकप्रियता में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जी हाँ ज़बरदस्त, ज़बरदस्त बोल दें या ज़बरदस्त बोल दें, वैसे तो ज़बरदस्त बोला जाता है मगर ज़बरदस्त भी कई जगह यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या है ना कि काफ़ी निकल के आ गए हैं जो तेलुगु के जो एक्ट्रेस हैं, और ज़्यादा निकल के आ गए हैं कि बार क्या एक्टर्स होते हैं इनके और एक्ट्रेस होती है, क्या काम करते हैं, माइंड ब्लोइंग। सो गाइस आपको क्लियर कर दूं कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि क्या कुछ करके निकल जाते हैं ये, और जो कि वो नाम ही रहता है, हिस्ट्री बन जाती है फिल्म इंडस्ट्रीज़ में। दोस्तों अगर आप बात करें ले इस साथ साथ की, अगर कलाकारों की अभिनय को खूब पसंद किया जा रहा है, वैरालिन की जितने भी कलाकार हैं उनको खूब पसंद किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्लू अर्जुन ही है, रश्मिका हो गई या फिर फसाद हो गई या फिर जितने भी को आर्टिस्ट है विलेन है, सबको बहुत बहुत पसंद किया जा रहा है, बहुत बहुत हर किसी की एक्टिंग की सराहना की जा रही है और एक्टिंग भी दर्शाया गया है। सो गाइस आपको बता दूँ कि ये फिल्म का ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दें कि हाँ एक के ऊपर डिपेंड है, ये एक के ऊपर नहीं, कई लोगों का इसमें काम है और सारे काम सराहनीय है। सो गाइस मैं आप लोगों को और भी इसकी बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, आपको जाना नहीं है, चले गए तो मिस कर देंगे भाई, मिस नहीं करना है आपको, मिस कर देंगे तो फिर आपको मजा कहाँ रह जाएगा। फिल्म देखने से अच्छा है इसकी रिव्यू जानना, रिव्यू क्या है, रिव्यू समझ लेंगे तो आपको और फिल्म जो देख चुके हैं या फिर देखने जाएंगे उसकी और ही बात कुछ और हो जाती है गाइस, मज़ा ही कुछ और हो जाता है। सो गाइस अभी तो शुरुआत हुई, अभी मैं आपको इतनी अंदरूनी बातें बताने वाला हूँ इस फिल्म को लेकर कि आप भी कहेंगे कि यार ऐसा भी है क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको बड़ी बड़ी खुफिया बातें बताने वाला हूँ इस फिल्म को लेकर, खुफिया क्या, इंटरटेनमेंट वाली बातें, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बता दूँ कि यार भाई ये लॉकडाउन में तो शुरू हुआ मगर एक तरीके से लक्की भी माना जाएगा ये फिल्म, कि लॉकडाउन चढ़ने वाला था पूरी अच्छी तरीके से, पर अच्छी तरीके से चढ़ा नहीं था, और उसकी इस फिल्म के बाद तो चढ़ ही गया, नेक्स्ट जब फ्राइडे आया तो कुछ ना कुछ इसको बेनिफिट हुए इस फिल्म को। सो गाइस बेनिफिट पब्लिक को भी हुए कि देखने को मौका मिला थिएटर में, ठीक है गाइस। तो आपको भी बता दूं कि पुष्पा द राइज इसका नाम है, ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे पुष्पा पुष्पा पुष्पा, तो एक ठीक है एक निक नेम है तो पुष्पा एक इजी है, सब समझ भी रहे हैं, सर्च भी हो रहा है पुष्पा के नाम से, मगर पुष्पा द राइज के नाम से इस पूरे फिल्म का टाइटल है। सो गाइज ये नाम भी अच्छा है और नाम इतना प्यारा है, पहले तो मैं सोच ही नहीं पा रहा था गाइज कि पुष्पा पुष्पा क्या यार, पुष्पा क्या हुआ, फूल हुआ, फूल
फुल यानी फुल जैसा फिल्म होगा, प्यारा सा दुलारा सा फिल्म होगा, नॉट एक्शन होगा, बट कहीं ना कहीं साउथ तेलुगु की बात है तो एक्शन होना मांगता है भाई। तो यहाँ पर हमने यही देखा गाई, बट मुझे बहुत अच्छा लगा पुष्पा को। एक बंदा है जो पुष्पा है, वाकई वो बहुत ही नॉर्मल बंदा है और बहुत ही सीधा साधा पुष्पा बंदा है, और इतना ताकतवर है और इतना निडर है कि मत पूछो आप, इतना निडर है कि बहुत ज़्यादा। आपको एक बात बता दूं कि वो मिनटों में चाहे तो अंडरवर्ल्ड का सफाया कर सकता है पुष्पा, मगर वो अपने भाई को जो सौतेला भाई है उसको कुछ नहीं करता है, क्योंकि नॉर्मल और एक पुष्प की तरह है, एक फूल की तरह है वो बंदा, और अपने पावर को अपने रिलेशन पे नहीं आजमाना चाहता है। नहीं तो जितना परेशान किया है पुष्पा का कजन भाई ने, वो आप इस फिल्म में देखेंगे या देख चुके होंगे तो आपको पता ही होगा। देख चुके हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि किस तरीके से बचपन से लेके और जवानी तक पुष्पा का जो सौतेला भाई है वो कितना उत्पीड़न करता है, कितना परेशान करता है पुष्पा के माँ पर और पुष्पा पर, फिर भी पुष्प की तरह ही है वो बंदा, नाम ठीक रखा गया है पुष्पा। मगर पुष्पा फायर तब बनता है जब उसके अंदर वो डर खत्म हो जाता है और उसके पास एक 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 सोच आ जाती है, गोल बन जाता है कि उसको आमिर बनना है, उसे ताकतवर बनना, उसे पैसे वाला बनना है, तब जाके वो अपना रुख करता है। तो रुख का जलवा जो आता है चंदन की तस्करी पे राज करने का, वो राज उसने हासिल कर लिया होता है पार्ट वन में ही, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, या जो देख लिए होंगे उनको पता चल जाएगा कि अंडरवर्ल्ड पे तस्करी का राजा बन जाता है पुष्पा। जी हाँ, बड़े से बड़े दिग्गज जो कि जिनके पास काम करता है पुष्पा, जो मुखिया होता है चंदन का, तो उसके बाद जब काम करता है तो वो 25 लाख में ट्रक बेचता है, जो ट्रक बेचता है आगे वाले को, आगे वाला 1.5 करोड़ में उस ट्रक को सप्लाई करता है। तो सबसे पहले जो गोल बनाता है पुष्पा की, मुझे 1.5 करोड़ वाले से ऊपर, 1.5 करोड़ वाले के पास रहना है, यानी एक समय ऐसा आता है लास्ट में कि जो 1.5 करोड़ का ट्रक बेचता है चंदन का, वो पुष्पा से माल खरीदता है, यानी पुष्पा बेचने लगा, उन सब का एक डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है पुष्पा, इतना बड़ा आदमी की तस्करी का जो 25 लाख और 1.5 करोड़ रुपये ट्रक का लेते हैं, ट्रक बेचने का मतलब कि उसमें चंदन की लकड़ियाँ होती हैं, तो वो चीज़ें क्या है ना पुष्पा से अब खरीदेगा, इतना बड़ा वो डॉन, इतना बड़ा वो डॉन बन जाता है, डॉन ही मान के चलो आप तो बन जाता है। तो ये क्रेज है पुष्पा का, वो गोल है जो गोल इसमें शेट किया है बंदे ने। मैं पुष्पा की बात कर रहा हूँ, मैं रियल फैक्ट की बात नहीं, काल्पनिक पुष्पा है इस फिल्म में, काल्पनिक पुष्पा है, तो उसी की बात कर रहा हूँ गाइज। हेलो गाइस, फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लो आप चैनल को, ताकि मैं आप लोगों को पुष्पा की सारी चीज़ें बता सकूँ, रिव्यू दे सकूँ। हाँ गाइस, आपको बता दूँ कि इस फिल्म में अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा काम किया है अल्लू अर्जुन ने। हालांकि मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म में तस्करी को लेकर बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया गया है और यहाँ पर एक इंसान के बारे में भी बताया गया है। सो गाइस, बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी, आप लोगों को क्लियर करता जाऊँगा। आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले आपको तो सब्सक्राइब करना होगा ताकि आगे की वीडियोज़ आप देख सकें, ठीक है गाइस। और वाकई आप अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं या फिर फिल्म पुष्पा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आप लोगों को कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बात सुनने को देखने को मिलेगी। सो गाइस, सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर पुष्पा है अल्लू अर्जुन, जी हाँ अल्लू अर्जुन का नाम ही पुष्पा है, जो कि डायलॉग बड़ा फेमस हुआ है, वो आप लोगों के भी दिमाग में आ रहा होगा कि पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है। जी हाँ, कितना सटीक बैठ रहा है ये डायलॉग, और इसकी जो स्क्रिप्टिंग लिखने वाले राइटर की बात करें तो उन्होंने भी क्या खूब लिखा है। जी हाँ गाइज, मैं आपको बता दूँ कि ये फिल्म अपने आप में एक दबदबा बना के रखा है, और इस फिल्म जैसा अभी बहुत सारी फिल्में हैं जो आने में सोचेंगी। जी हाँ, जितनी भी फिल्में रिलीज़ हो रही है RRR के टक्कर में ये जाएगा, और कहा ये भी जा रहा है कि RRR इतना अच्छी कलेक्शन या दिलों पे राज नहीं कर पाएगा जितना पुष्पा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा गाइज। सो आपको बता दूँ कि ये फिल्म तस्करी को लेकर हैं, चंदन, चंदन की जो लकड़ियाँ होती हैं इन लकड़ियों को देखा जाए तो बेशकीमती होती है, इनका कोई मोल कोई कीमत नहीं होता है। ऐसे ही एक जंगल होता है जिस जंगल में चंदन की ही लकड़ियों का कारोबार चलता है और उगता है काटे जाते हैं। जी हाँ, हालांकि वहाँ पर अप्लाई नहीं है, वहाँ पे परमिशन नहीं है चंदन की लकड़ियों को काटने के लिए, बट जितने भी तस्करी के बड़े बड़े सरताज हैं वैसे अपने अपने मकसद को कामयाब करने के लिए अपने गैंग के जरिए वहाँ के जंगलों से तस्करी के तौर पर चंदन की लकड़ियों को काटते रहते हैं। सो गाइस,
जो सीन है काफ़ी दर्दनाक है। वहीं पर एक मजदूर किस्म का इंसान होता है अल्लू अर्जुन। देखिए पूरी स्टोरी तो मैं आपको क्लियर नहीं कह सकता क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो कॉपीराइट कैसे हो जाएगा। सो गाइस मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि एक गरीब वर्ग का लड़का जो कि अनपढ़ भी कह सकते हैं, पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसका नाम पुष्पा है, वो मजदूरी के तौर पर एक बार मजदूरी के लिए चौक पर जाता है। आप जानते होंगे कि चौक होता है जहाँ पर मजदूर लोग बैठते हैं और वहीं से बड़े बड़े लोग वहाँ से उनको हायर करते हैं और अपना घर मकान बनवाने या फिर कोई पहाड़ तोड़ने उड़ने का काम देते रहते हैं। तो वहीं पर चौक पर चाय पिया होता है, चाय पीते रहते हैं और पुष्पा, और वहाँ पर मजदूरों को ले जाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। एक जगह जाने के लिए 250 रुपये मिलता है तो एक जगह जाने के लिए 1000 रुपये मिलता है। चाय वाले से पुष्पा पूछते हैं कि क्या ये हमें यहाँ 250 रुपये के लिए मजदूरों को ले जाया जा रहा है और वहाँ पर 1000 रुपये के लिए, तो वो 1000 रुपये क्या है? तो चाय वाला बताता है बड़ा खतरे का काम है, वहाँ पर चंदन की लकड़ियाँ काटने का काम मिलता है, खतरे का काम है, इसमें पकड़ा धरा भी जा सकता है, इसके लिए यहाँ पर 1000 रुपये पर डे का दिया जा रहा है। तुम 250 रुपये में जाओ, सुरक्षित रहोगे, यहाँ पे हल्का फुल्का काम होता है, शाम को घर लौट आओगे, मगर 1000 रुपये जहाँ पे मिलेगा वहाँ पर घर पे लौटना बड़ा ही मुश्किल है। सो गाइस वाकई मुश्किल है और मुश्किलों का सामना करना ही पुष्पा का काम है। पुष्पा चाय वाले को बोलते हैं कि चलो भाई तुमने जो कह दिया बहुत अच्छी है, इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, मगर मैं रिस्क लेने वाला पर्सन हूँ तो मैं रिस्क लूँगा क्योंकि मुझे 250 नहीं, मुझे 1000 रुपये चाहिए। सो गाइस मैं आपको बता दूँ कि 1000 रुपये वाले रास्ते पे चल देते हैं पुष्पा। जी हाँ, जब वो गाड़ियों पे लाद कर मजदूरों को ले जाते हैं तो वहीं खूनखार रास्ते, वहीं सन्नाटे जगह, वहीं कड़ी धूप की जगह, बारिशों का मौसम, ढेले, ईंटे, नदियाँ, झरने वाले जंगलों में जहाँ चंदन के बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ पर लेके जाया जाता है। उसके आगे मैं आपको बता सकता हूँ गाइस, बड़ा को इतना क्लियर कर दूं कि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि बॉक्स ऑफिस पर क्या कलेक्शन किया, फिल्म कैसे दिलों पर राज कर रहा है, इसमें क्या क्या स्टाइल है, आपके ये चहेते और हमारे चहेते अल्लू अर्जुन। जी गाइस मैं बता दूं कि इसमें जो हीरोइन है रश्मिका, वह काफ़ी लाजवाब एक्टिंग करने वाली नायिका हैं और वो तमिल की और साउथ की तो फेमस हीरोइनें मानी जाती हैं। सो गाइस आपको क्लियर कर दूँ कि कम उम्र में बहुत अच्छे अभिनय करने वाली रश्मिका ने यहाँ पे छाप छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ कि इनकी जो हाई डिमांड होती है, इस हाई डिमांड को कोई भी बॉलीवुड की इंडस्ट्रीज़ भी इनको एक्सेप्ट करने से घबराती है कि इतना हाई डिमांड, इतनी अच्छी इनकी रेट है। यहाँ कहा जा सकता है कि जिस तरह से कैटरीना का फेयर वगैरह हो गई बॉलीवुड में, उतनी ही उनकी क्रेज़ वहाँ पर है। जी दोस्तों, आपको बता दूँ कि इतनी कम उम्र में इतने अच्छे पैसे कमाने के बाद रश्मिका के ऊपर छापे पड़ गए थे। मैं इनके रियल बता रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि काफ़ी उनके छापे पड़ गए कि आखिरकार ये इतने पैसे कहाँ से आए। तो फिर बाद में सेंटेक्स वाले को पता चला तो ये हीरोइन है और इनके पास इतने पैसे होना आम बात है। उनके घर से छापे में 25 लाख रुपए भी मिल गए थे और कुछ जमीन के, बहुत जगहों के जमीन के कागजात भी मिले थे। तो ये उनकी पर्सनल लाइफ की न्यूज़ आप देख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, आप उनके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, उनकी बायोग्राफी को चेक कर सकते हैं। सो गाइज ऐसी इंटरेस्टेड मैं बातें लेकर आया हूँ जो फैक्ट से जुड़ी हुई है, इस रिव्यू में मैं आपको क्लियर करते जाऊँगा। सो गाइज बहुत अच्छी मूवी है। पुष्पा की बात करें तो एक और बातें बताने वाला हूँ इसके बाद, थोड़ा सा मैं आप लोगों से चाहूंगा क्योंकि गले में खराश हो रही है, मुझे पानी भी पीना पड़ेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ फिल्म पुष्पा को लेकर। सो गाइस मैं बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बात बताने वाला हूँ इस फिल्म को लेकर। जी हाँ, आपको बता दूँ कि पुष्पा का जो रेगुलर में लोग कहते आ रहे हैं कि पुष्पा मूवी, एक्चुअल में इसका जो फुल फॉर्म है यानी कि पूरा जो नाम है वो क्या है, तो पुष्पा द राइज, ठीक है पुष्पा द राइज पूरी फिल्म का नाम है। ऐसे करके इन्होंने अपने नाम को रजिस्टर्ड करवाया है या फिर इस तरीके का नाम है जो लीगल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ कि इस फिल्म के जो रोल हैं, रोल के जो नेम है यानी कि जो इस फिल्म में जो प्ले कर रहे हैं उस कैरेक्टर का नाम क्या है और ओरिजिनल में उसको कौन से रियल कैरेक्टर ने निभाया है, तो इसके हम बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं कि पुष्पाराज जो नाम है वो पुष्पाराज नाम है अल्लू अर्जुन का, जो कि मेन कैरेक्टर है इस फिल्म के, तो पुष्पाराज उनका नाम हो गया है। ठीक है गाइस, उसमें अगर हम बात करें तो भंवर सिंह शेखावत किसका नाम है, ठीक है, तो भंवर सिंह शेखावत की बात करें तो ये वो है फहाद। जी हाँ, मैं बता दूँ आपको कि फहाद फासिल कौन से हैं, जो आप लास्ट में देख रहे होंगे जो IPS ऑफिसर जो आता है उनका नाम है भंवर सिंह शेखावत, जो कि पार्ट टू में उनकी पूरी फिल्म में भूमिका है। हालांकि इस फिल्म में लास्ट में आए हैं और जलवा दिखा के गए हैं, आते ही जब उनकी एंट्री हो रही है तो दो को टपका देते हैं अपने जीप में ही, फिर आने के बाद तो उनके जो लास्ट में हुआ है तो उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है फवाद के साथ, यानी कि भंवर सिंह के साथ। अल्लू अर्जुन उनको चड्डी में कर देते हैं, फिर औकात बताते हैं IPS ऑफिसर का कि देखो तुम्हारे औकात क्या है, कि तुम अगर वर्दी में हो तो तुम्हारा कुत्ता पहचानता है, अगर तुम वर्दी में हो तो तुम्हें कोई नहीं पहचानता है। वहीं पर ये भी मैसेज मिला है इस फिल्म के लास्ट में कि देखो आप अपनी जमीन से जुड़ा होना चाहिए, अगर आप जमीन से जुड़े हुए रहोगे तो आप किसी भी हाल में रहोगे तो आपके अपने लोग पहचान लेंगे, या वो इंसान हो या फिर कोई जानवर हो। सो गाइस यहाँ पे ये दिखाया गया, तो वो ही है भंवर सिंह शेखावत। जी हाँ, जो कि भंवर सिंह शेखावत जो कैरेक्टर प्ले करेंगे या कर रहे हैं तो वो है फवाद फासिल। जी हाँ,
आपको बता दूं कि पुष्पा जो मूवी है इसका पार्ट टू आने वाला है, जिसमें फुल वही रहेंगे, जो कि इसमें आपको बता दूं कि जो इसमें जो इंस्पेक्टर बने हुए हैं, तो वो इंस्पेक्टर तो इस्तीफा कर नहीं देते, उनका तबादला हो जाता है, क्योंकि वो अल्लू अर्जुन को और चंदन की लकड़ियों के तस्करी को नहीं पकड़ पाते हैं, हालांकि पूरी कोशिश रहती है, तो उनका वहां से तबादला हो गया है। तो अब वहां पे भंवर सिंह शेखावत पार्ट टू में दिखाई देंगे कि वो किस तरीके से अल्लू अर्जुन को पकड़ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अल्लू अर्जुन जो है चंदन की लकड़ियां किस तरीके से पुलिस वालों से बचाते हैं, कि दूध का जो डेयरी वाला दूध का जो बस होता है, जो ट्रक कुछ भी कह सकते हैं आप, जो समझ सकते हैं, तो उसके नीचे बहुत अच्छे से बनाने के बाद एक खुफिया जगह बनाते हैं उस ट्रक के अंदर, जहाँ पे चंदन की लकड़ियाँ होती है, ऊपर दूध होता है, मिलना बड़ा मुश्किल होता है। सो गाइज यहाँ पे अब फहाद फासिल जो भंवर सिंह का कैरेक्टर में आएंगे पार्ट टू में, तो क्या वो पकड़ पाएंगे अल्लू अर्जुन के इस तस्करी को जो कि चंदन की लकड़ियों से होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बात कर लेते हैं एक और विलन की, उस विलन का यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता दूं कि एक जगपति बाबू है। जी हाँ, जगपति बाबू जो है वो मेन विलन है, जो काले काले से जो आप देख रहे होंगे, जो कि 25 लाख में चंदन की लकड़ियाँ खरीदते हैं, जो कि आगे 1.5 करोड़ में बिकता है। सो गाइज आपको बता दूं कि जॉली रेड्डी एक करके हैं कैरेक्टर विलेन का, उनका असली नाम है धनंजय। जी हाँ, धनंजय नाम है, और वो रियल में तो धनंजय नाम है, बट इस फिल्म के कैरेक्टर की बात करें तो उसमें जॉली रेड्डी नाम है। सो गाइज बहुत सारी चीज़ें मैं आगे चल बताऊंगा कि हीरोइन का असली नाम, पूरा नाम क्या है, इस फिल्म में क्या नाम है, वो सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, बहुत कुछ क्लियर करना है आप लोगों को। सो गाइज मेरे वीडियो से बने रहिए, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो तोड़ दो बटन लाल वाली और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी दबा लेना भाई, क्योंकि वो दबाओगे तो मेरे से बातचीत हो पाएगी आप लोगों को, और चाहे मैं भी चाहूंगा कि आप लोगों से मेरी बातचीत होती रहे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो। चलो गाइस अब बता दूं कि स्टार्टिंग में इस फिल्म में जो तीन खास नाम रखे जा रहे हैं वो है अल्लू अर्जुन, अर्जुन का, फहाद फासिल का, और रश्मिका मंदाना मंदाना। ठीक है गाइज, अब इसकी बात करें तो कितनी भाषा में रिलीज हुई है ये भी तो आप जानना चाहेंगे, तो इंडिया में एक हिंदी भाषा, तेलुगु भाषा और भी भाषाएं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिलहाल तेलुगु और इंडिया में तो धमाल मचा दिया है। इसके जो राइटर हैं, आप बोलेंगे ना कि राइटर सुकुमार जी हैं तो फिर वो डायरेक्टर वो नहीं होंगे, नहीं, आपको बता दूं कि इसके जो राइटर हैं, जो इस फिल्म के पूरी स्क्रिप्ट, पूरी ढांचा तैयार किया अपने छोटे से कलम से और अपने दिमाग की ताकत से, वो हैं सुकुमार सर। और देन उसके बाद जो डायरेक्टर की बात करें, जो एक एक चीज़ को याद रखें, आपको याद होगा कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैसे चल रहे हैं, आपको पता ही होगा कि उनका लेफ्ट या शायद राइट हैंड जो शोल्डर है वो ऊपर को होता है, कौन सा होता है आप जरा बताइएगा, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड ऊपर को तरफ होता है। और जो डांसिंग स्टेप की बात करें तो चलिए इसको मैं आगे बताऊंगा, जो लंगड़ा वाला डांस स्टेप है वो कौन से कोरियोग्राफर का है। देन आपको अभी मैं बता दूं कि सुकुमार जो सर हैं वो इस फिल्म को लिखे भी हैं और डायरेक्टर भी वही हैं, एक एक चीज़ को ध्यान रखे हैं कि कैसे लकड़ियों को सारे गिराने हैं और समुद्र के तट पर ले जाना है, नदी के द्वारा इसको बहाव करना है, और फिर एक बांध होगा, बांध को बंद करना है ताकि लकड़ी उसको आगे ना जाए। देखिए सारी चीजें जो करने वाले और कराने वाले लिखने वाले वह सुकुमार सर। सो गाइज आपको सुकुमार सर के लिए क्या कहना है आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, क्योंकि देखिए सुकुमार सर के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप पुष्पा को प्यार करते हैं। ठीक है गाइज, अब बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर की, इस फिल्म में पैसे किन्होंने लगाया है, तो वो है नवीन यरनेनी। ठीक है, नवीन यरनेनी है, और दूसरा है वाई रविशंकर। जी हाँ, बहुत बड़े ये आदमी होंगे, इनके पास दौलत की कमी नहीं होगी, जो इतनी बड़ी फिल्म के लिए इन्होंने पैसा दिया है, रुपए लगाए हैं, तो ये दो प्रोड्यूसर हैं। देन उसके बाद करेंगे, देखो हर चीज़ बन जाती है गाइस, हर चीज़ बन जाने के बाद अब होता क्या है कि अगर हम उस चीज़ को छांटे नहीं, काटे नहीं, तो फिर फिल्म का वो चीज़ें नहीं निकल के आ पाती है। हालांकि डायरेक्टर के देख रेख में होता है एडिटिंग की बात कर रहा हूँ, बट ये एडिटर जो है तो बड़ा ही कमाल के चीज़ होते हैं, उनको क्या चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ें उड़ानी है, कैसे उसमें VFX वगैरह वगैरह डालने हैं, ये बड़ी ही बहुत ही, मैं बात करूँ तो बहुत ही एक माइंड ब्लोइंग बात है। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि इसके जो एडिटर हैं, उनका एडिटर का नाम जानना चाहेंगे आप, उनका एडिटर का नाम है कार्तिका श्रीनिवास। जी हाँ, एक देखने वाला नॉर्मल बंदा, पतले दुबले से हैं ये, और उन्होंने इसको एडिटिंग किया, इसमें सारे जो बेफेक्स वगैरह हैं और जितने भी कलर करेक्शन किए और एनजी शॉट को निकाला है, तो वो हैं श्रीनिवास जी। सो गाइस वाह क्या बात है। अब चलते हैं डायरेक्टर की बात कर लिए, अब एडिटर की बात कर लिए, अब बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर की। तो जी हाँ, म्यूजिक भी आप लोगों ने सुना ही होगा, आप लोगों ने AR रहमान की म्यूजिक सुनी होगी, और फिर ये म्यूजिक सुना होगा तो आपको लग रहा होगा कि हाँ वाकई कहीं ना कहीं से उन्हीं के भाव और उन्हीं के चीज़ों को यहाँ पे बहुत ही बारीकी से रखा गया है। तो ये फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं देवी श्री प्रसाद। जी हाँ, देखिए कितना प्यारा सा नाम है, देवी श्री प्रसाद। तो ये इन्होंने म्यूजिक दिया इस फिल्म में, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत अच्छे अच्छे गानों पर म्यूजिक कंपोज किया इन्होंने, तो ये मायने रखता है अपने आप में। सो गाइस बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की, आप कहेंगे कि मैं तो आज देख रहा हूँ, आज सुन रहा हूँ, आज मुझे पता चला, तो आपको क्लियर कर दूँ कि 17 दिसंबर 2021 में ही इस फिल्म का रिलीजिंग डेट हो गया था। जी हाँ, और काफ़ी टाइम हो गया इस फिल्म को, और आज भी
इतना क्रेज़ है कि आप लोग उस क्रेज़ की वजह से ही मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं पता है आप लोगों को बता दूँ, मैं ही नहीं, कोई भी इनके ऊपर कोई फिल्म है कोई वीडियो बना रहा है तो खचा खच व्यूवर्स आ रहा है, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है इस वीडियो को लेकर। तो सो मैं भी सोचा कि आप लोगों से कुछ गपशप हो जाए और इसके बारे में मैं अपना ओपिनियन रखूँ। सो गाइस मैंने रखा, आप लोगों शायद अच्छा ही लग रहा होगा, अब तक मुझे नहीं लग रहा होगा कि मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूँ, हालांकि मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ और आप लोगों का साथ मिल रहा है, अपने ध्यानपूर्वक देख रहे हैं सुन रहे हैं तो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। सो गाइस थैंक यू इसके लिए। अब बात कर लेते हैं कि बजट की बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बजट के बाद कितनी अर्निंग हुई ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि अब तक कितने अर्निंग हो चुके हैं। सो गाइज कहने को तो ये फिल्म जा रही है 2.5 अरब की, जी हाँ 250 करोड़ की जा रही है फिल्म यानी बजट में। सो गाइज मुझे नहीं लगता, यहाँ पे लिखा हुआ है सो मैं बता रहा हूँ, बट इतना नहीं, क्योंकि देखो अगर इतना होगा तो ये फिल्म फ्लॉप माना जाएगा, क्योंकि इतना अर्निंग नहीं निकल पाया है, कलेक्शन नहीं हो पाई है। तो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा कि इस फिल्म की एक्चुअल रेट, एक्चुअल जो लागत है वो कितनी हुई है, और इसकी पूरी मैं आपको बजट भी बताऊंगा, कलेक्शन भी बताऊंगा कि कितनी कलेक्शन हुई है। सो गाइज बने रहिएगा मेरे साथ, चलते हैं आगे की तरफ। जो खास होगा छोड़ेंगे नहीं वीडियो को, छोड़ेंगे तो दोस्त मुझे नहीं लगता कि आप सही चीजें जान पाएंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिलती है एक नहीं कई साइडों से सर्च किया हुआ चीज़ है, जो कि सर्च करके पूरी तरीके से मैं लिखा हूँ और लिखने के बाद सामने मेरे पास कंप्यूटर भी है जहाँ पे मैं गूगल से सर्च कर रहा हूँ, विकीपीडिया से सर्च कर रहा हूँ और आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। सो गाइस बहुत ही कुछ अमेजिंग बोलने वाला हूँ, अमेजिंग बताने वाला हूँ, आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो से, चलते हैं आगे की तरफ। सो गाइस आप लोगों को बताते चलूँ कि ये फिल्म साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की है। अब आपको बता दूं कि अभी तक ये कितना कलेक्शन किया है, इसको जानने की आप लोगों की बड़ी दिल में वो हो रही होगी। सो आपको क्लियर कर दूं कि बहुत अच्छी कलेक्शन रही है इस फिल्म की, अभी तक की कलेक्शन जो सामने सो रही है वो सो मैं बता रहा हूँ, और फिर आगे मुझे कुछ और भी बताना होगा कि कितनी तक हुई। सो गाइस मैं आपको क्लियर कर दूं कि 390 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की है ये मूवी, मगर एक्चुअल में इसकी क्या अर्निंग हुई है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। आपको बता दूं कि ये फिल्म लॉकडाउन के दौरान रिलीज़ हुई है, जी हाँ लॉकडाउन के दौरान रिलीज हुई है, फिर भी कमाल मचा गई, धमाल मचा गई। जी आपको क्लियर कर दूं कि लॉकडाउन में देखिए कुछ ऐसे जो सिनेमा है जहाँ सिनेमा पे, तो आपको क्लियर कर दूं कि जो सिनेमा में देखा, मेरे पास की बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ में मेरे पास में एक सिनेमा हॉल था जो कई टाइम से, कितने टाइम से बंद हुआ पड़ा था और लॉकडाउन के टाइम से बंद पड़ा हुआ था, मगर जैसे ही फिल्म लगा तो उसने इस फिल्म को रिलीज़ किया और गाइस आपको क्लियर कर दूं बहुत अच्छी अर्निंग। सो लोग गाइस अब तो मज़ा ही आ गया, आप लोगों को इतनी अच्छी बात बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप लोग भी कहेंगे वाह यार ऐसा भी हो सकता है क्या पुष्पा मूवी के साथ। जी हाँ आपको बता दूँ कि पुष्पा की जो टुटल है, ये बहुत बड़ी बात है कि पुष्पा के टुटल को अमूल जैसी बड़ी कंपनी ने शेयर किया। जी हाँ आपको बता दूं कि ये फनी टाइप का एक एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है और फनी टाइप का कार्टून वीडियो या कार्टून पिक्चर है, पिक्चर बनाई जाती है, सो उसको टुटल बोला जाता है। आपको बता दूँ कि अमूल कंपनी ने अपने तरफ से पुष्पा मूवी की डूडल बनाकर शेयर किया है जो कि वायरल हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ, आप लोग सर्च करेंगे पुष्पा डूडल तो आ जाएगा। अमूल कंपनी को ये राइट्स मिला है और अमूल कंपनी ये राइट्स लेकर डूडल बनाया है जो कि काफ़ी फनी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि फनी नहीं लग रहा है, उसमें ये दर्शाया गया है कि जिस स्टाइल में पुष्पा बैठे होते हैं इस फिल्म में, यानी कि अल्लू अर्जुन उसी टाइप के बैठे हुए हैं और वहीं पर रश्मिका डांस नृत्य करते हुए नजर आ रही है। जब मैंने देखा तो वाकई में चौक सा गया कि अरे यार क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, फिल्म के कुछ ही दिन हुए और ये माहौल अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आपको क्लियर कर दूं कि आप 17 तारीख को रिलीज़ हुआ था, इससे 3-4 महीने पहले से ही इसकी बातें चर्चाएं चलती आ रही हैं और आज भी इतनी क्रेज़ बढ़ती जा रही है इस फिल्म को लेकर कि अमूल कंपनी जैसा एक ब्रांड ने डूडल बनाकर सोशल मीडिया पे शेयर किया है। तो आप देखिए आपको सर्च सिंपल सा करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे जाकर आपको, या फिर गूगल पे जाकर सिंपल सा लिखना होगा अमूल कंपनी डूडल पुष्पा, जी हाँ बस आपको आ जाएगा और आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये टिटल। सो गाइस ऐसे ही टेस्टी इंटरेस्टेड मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा जो कि पुष्पा से रिलेटेड होगा। आपको इस फिल्म के कुछ बातें भी बताया और आगे भी बताऊंगा कि इस फिल्म में कुछ क्या क्या खास है जो कि हमें काफ़ी चौंकाने वाला लगा, हमें काफ़ी ऐसा लगा कि अरे यार ये चीज़ें
बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलती है। चलिए गाइस मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ उसमें से एक छोटे से चीज़ को, छोटी सी बातें। आप देखे होंगे मूवी शोले, शोले फिल्म आप देखे होंगे जिसमें गब्बर सिंह की बात करें तो गब्बर सिंह के साथ एक उनका आदमी रहता है जिसका नाम होता है शाबा। अरे ओ शाबा कितने आदमी थे, आपने ये डायलॉग सुना भी होगा और ये डायलॉग बच्चे बच्चे तक जानते हैं, ऐसा नहीं कल के बच्चे आज के भी बच्चे जानते हैं शाबा कौन था गब्बर सिंह, सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ठीक, एक एक वहाँ पे कैरेक्टर झलकता है शोले फिल्म का, तो उसी तरीके से इस फिल्म का भी एक एक करेक्टर जो कि थोड़े भी टाइम के लिए आया है तो वो झलक रहा है हमारे आंखों में, नाच रहा है हमारे दिलों पे, राज कर रहा है। अब मैं बात करूँ तो अल्लू अर्जुन का पहले बात कर लेते हैं कि उनका जो सिग्नेचर दिया गया है वो काफ़ी उत्साहित करने वाला है, काफ़ी हमें आकर्षित करने वाला है। देखिए आपको बता दूँ कि सबसे पहले कि जो उनका शोल्डर जो उठा हुआ रहता है पूरी फिल्म में, तो वो चीज़ें निकल के आ रही है कि यार क्या गेटअप है, किस तरीके से पर्सनालिटी को इनके डेवलप किया गया है। सो गाइज वो अपने आप में एक मायने रखता है। सो गाइज आपको बता दूं कि इस फिल्म के जो गाना है श्रीवल्ली, श्रीवल्ली गाने में आपने जो स्टेप देखा होगा वो स्टेप माइंड ब्लोइंग लंगड़ा स्टेप है, बट वो लंगड़े स्टेप को भी बहुत अच्छी तरीके से फिल्मांकन किया गया। आपको बता दूं कि ये स्टेप एक नॉर्मल स्टेप है, इसकी जितनी भी आप शॉर्ट वीडियो देख रहे होंगे तो आप भी सोच रहे होंगे कि यार कि मैं भी करूं इस स्टेप को, हालांकि आप ही नहीं मैं भी सोचता हूं और मैं भी एक बार ट्राई किया तो मेरे से बहुत अच्छा हो गया। इसलिए अच्छा हो गया कि मैं जैसा भी किया हूं मुझे अच्छा लगा, जब गाने पर उसको सेट किया, जब रील बनाया, जो शॉर्ट वीडियो बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी चाहे जैसे भी करें उस स्टेप को करेंगे और उस गाने को फिट करेंगे तो आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइज इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत से वो करिएगा। सो गाइज आपने आपको बता दूँ कि श्रीवल्ली गाने का जो स्टेप है वो स्टेप दिए हैं बॉलीवुड के नामी गिरामी कोरियोग्राफर मास्टर डायरेक्टर गणेश आचार्य। जी हाँ, गणेश आचार्य जी का वो स्टेप था। आप देख रहे होंगे किस तरीके से एक कुल्ले को शोल्डर को ऊपर उठाए हुए और पैरों को तिरछे किए हुए, एक पैर को फोल्ड किए हुए घिसकते हुए अल्लू अर्जुन जा रहे हैं और तब उनका चप्पल भी छूट जाता है। सेकेंड टाइम जब ये स्टेप कर रहे होते हैं तो बहुत सारी गांव की जो लड़कियां होती हैं वो दूर दराज से पानी भर के ला रही है, हालांकि उस गांव में पानी की भी बड़ी असुविधा है, दूर दराज से बस्ती वाले पानी को लाते हैं या फिर आसपास के बस्ती बस्ती में कुआं होता है वहीं से पानी उनको पीना पड़ता है। वहां जहां पे लोग रह रहे हैं बिजली बत्ती पानी की असुविधाएँ हैं, क्योंकि इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है कि वो लोगों की कहानी है जो लोग जंगलों के समीप रहते हैं, जो कि आदिवासी भी कह सकते हैं इस टाइप के जो लोग होते हैं, उन एक कोने में पड़े रहना पसंद करते हैं, उन वो शहर तक आने में उनको काफ़ी टाइम लगता है, ऐसे सिचुएशन को दर्शाया गया है। सो गाइस वो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। एक और अमेजिंग बात बताने वाला हूँ गाइस, वो ये है कि आप देखे होंगे कि अल्लू अर्जुन जो हैं जो अपने दाढ़ी के ऊपर हाथ को जो ले जाते हैं और राउंड करते हुए दाढ़ी के अपने हाथों को निकालते हो, गाइस अब एक बार करके दिखाओ, आप करके दिखाओ या करो, करोगे तो बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा गाइस। इनके जो लंगड़ा डांसिंग स्टेप है या दाढ़ियों पर हाथ फेरना हो गया या कुल्ले को ऊपर उठाना हो गया, ये तीनों चीज़ अगर आप अलग अलग करके देखेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, आपकी जो थकावटें होगी ना मुझे नहीं लगता है कि वो दिखेगी झलकेगी, आप अंदर से फिट हो जाएंगे। सो गाइज ये भी एक देखने वाली बात है। गाइज मैं आपको ये बता दूं कि आप एक चीज़ नोट करे होंगे कि इस फिल्म में जो सेविंग रखे हैं अल्लू अर्जुन वो सेविंग लास्ट तक रहता है और बड़े ही ध्यान रखा गया होगा। अब आपको ये ज़रूर बताना है गाइस कि वो जो उनका दाढ़ी मूछे हैं उन्होंने पूरे फिल्म जब शूटिंग स्टार्ट हुआ से लेके लास्ट तक क्या उनकी वो दाढ़ी ओरिजिनल है और कहाँ तक इस फिल्म में ओरिजिनल होगी और या फिर ये नकली भी लगाया गया है, ये आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि फिल्म जो है वो फिल्म कोई एक महीने की फिल्म नहीं है, इसका पार्ट टू में भी सेम गेटअप है, तो अभी भी शूटिंग चल रही है इसके पार्ट टू का, तो
आप बता सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि वो गेटअप लेके कितने महीने तक अल्लू अर्जुन रहेंगे, तो आपको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि वो गेटअप जो दाढ़ी मूछ की है वो नकली है उनका या असली है, ये आप बताइएगा अपने गेसिंग के हिसाब से। सो गाइस, आप बोल रहे होंगे कि मैं तो फिल्म देखने आया था, मैं कैसे बताऊं, तो मेरी नज़र से देख लो आप फिल्म को, देन उसके बाद आपको ही बता दूं कि अगर आप फिल्म को नहीं देख पा रहे हो तो गाइस मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप प्राइम पे जाना, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना और इस फिल्म को फुल HD में देखना गाइस। आप इधर उधर को देखने से अच्छा है कि वहाँ देखो। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेशन सर्किल में आप वो फिल्में देख सकते हो जो उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है, क्योंकि ये फिल्म मुझे नहीं लगता कि छोड़ना चाहिए होंगे। सो गाइस, आपको यहाँ पे बता दिया कि डुड्डल का क्या कारनामे चल रहे हैं, वायरल हो रहा है। हालांकि जो पुष्पा नाम का जो ट्यूटर है उस ट्यूटर पे भी ये रैंक कर रहा है डुड्डल, जो अमूल कंपनी ने अपने तरफ से बनाया है। सो बाप रे बाप, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है इन सारी चीज़ों को, बड़े बड़े कारनामे देख के इस फिल्म को लेकर। सो गाइस, इससे पहले भी मैं इसके लिए बनाया था गाइस, मैं इसके लिए बनाया था, वीडियोस बनाई थी, वो वीडियो तो खैर आप लोगों को इतना मज़ा नहीं आएगा, बट ये वीडियो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं उस टाइम से लेकर अभी तक बहुत चीज़ें सर्च किया पुष्पा को लेकर, और वो सर्च आपके सामने रख रहा हूँ। गाइज, आपको बता दूं कि साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। उनकी फिल्म पुष्पा के बाद कौन सी फिल्म आप देखेंगे ये जान लेना बड़ा ही ज़रूरी है। सो गाइज, मैं आपको पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन की कौन सी फिल्म आ रही है OTT पे भी देख सकते हैं उसको, और साथ ही साथ सिनेमा हॉल में अगर खुली होगी तो देख ही लेंगे। तो आपको बता दूं गाइज कि वो फिल्म काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि पुष्पा के बाद हम पुष्पा Part 2 देखेंगे अल्लू अर्जुन का। तो आपको ये क्लियर कर दूं कि Part 2 आने से पहले एक फिल्म आने वाली है अल्लू अर्जुन की, जो कि आपको ये क्लियर करते चलूँ कि उसका नाम थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगेगा अगर आप हिंदी जानते हैं तो, अन्यथा अगर आप तमिल जानते हैं, तेलुगु जानते हैं तो आसान पड़ेगा। सीधे आपको बता दूं कि उस फिल्म का नाम है अल्लाह वेंकुटपुर मलो। क्या बात है, कैसा नाम है, अल्लाह वेंकुटपुर मलो। इसका हिंदी वर्जन आने वाला है गाइज, इसका हिंदी वर्जन जब आएगा तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि उसका नाम क्या होगा। सबसे पहले बता दूँ कि उनका जो फिल्म है वो काफ़ी बम्पर हिट हो रहा है, बम्पर हिट हो भी गया और दुनिया भर में एक हिट का मिसाल कायम कर दिया पुष्पा ने। जी हाँ, इसके फैंस फॉलोइंग इतने बढ़ गए हैं और इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आपको बता दूं कि मेरे ये वीडियो आप देखने में देखोगे कि 1000 व्यूवर्स पार हो गया, मगर 1000 लाइक भी चाहिए गाइस, आप लाइक फटाफट से कर लो। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि उनका जो आने वाला फिल्म है वो है अल्लाह वेंकुटपुर रामुलो। देखो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये तमिल वमिल होगा। चलिए ठीक से एक बार इसका मैं हिंदी बता देना चाहता हूँ। फिलहाल एक बार और आप लोग मेरे साथ बोलिए, उनका आने वाला कौन सा फिल्म है, अल्लाह वेंकुटपुर रामुलो। अब इसका हिंदी में आएगा तब आपको मज़ा आएगा, तो हिंदी में भी देख लो भाई, हिंदी में ही आने वाला है। हिंदी में आएगा तो इस वाले का जो आपने देखा था पुष्पा, उसमें तो डबिंग किए थे तलपड़े जी, श्रेयस तलपड़े ने, जो नागर सॉरी अल्लू अर्जुन का जो वॉइस ओवर है उनका उन्होंने किया था, बट इस फिल्म में कौन करेंगे उनका वॉइस ओवर ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूँ कि ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा हो रहा है अल्लाह वेंकुटपुर मलो का। सो आप बता दूं कि 26 जनवरी को ये फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज हो जाएगी। जी हाँ, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप देखेंगे अल्लू अर्जुन का दूसरा फिल्म। जी हाँ, हालांकि वो तमिल और तेलुगु भाषा में तो रैंक कर ही रहा है, अब हिंदी में भी 26 तारीख को जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। मगर हाँ, आपको बता दूँ कि उसका नाम हिंदी में अल्लाह वेंकुटपुर मलो ना होगा, बल्कि उनका नाम रखा जाएगा। और इसका नाम क्या रखा जाएगा मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, मगर 26 तारीख को आप अगर पुष्पा नहीं देखें तो पुष्पा देख के ख़त्म कर दो आप, क्योंकि आपको सेकंड अल्लू अर्जुन का देखना है। हाँ भाई, मैं ये नहीं बताऊँगा इसमें कि अल्लू अर्जुन का गेटअप कैसा होगा। जी हाँ, अभी आपने इस फिल्म में गेटअप देखा तो एक आदिवासी के गेटअप में दिखाई दे रहे थे, उसमें क्या होगा ये मैं आगे चल के आपको बता रहा हूँ। सो गाइज, एक और बीच में ब्रेक लेना चाहूँगा, और ये ब्रेक इसलिए लेना चाहूँगा कि ऑस्कर अवार्ड
में यूट्यूब फिल्म जय भीम चली गई है, अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, सूर्या का फिल्म है जिसका नाम है जय भीम, वो ऑस्कर में जा चुकी है। जी हाँ, वहीं पे अगर बात करें तो आपको क्लियर कर दूं कि आमिर खान की फिल्म फिर से टल चुकी है, यानी ये रिलीज होने वाला था और ये फिल्म टल चुकी है। अब आप कहेंगे आमिर खान की कौन सी फिल्म आ रही है जो टल चुकी है? गाइज, आपको क्लियर कर दूं कि उस फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा, इस फिल्म को टाल दिया गया है, यानी ये रिलीज होने वाला था, अब इसका रिलीजिंग डेट बढ़ गया है। हालांकि दोस्तों आपको क्लियर कर दूं कि रिलीज नहीं होना ही ठीक था, क्योंकि पुष्पा के आगे तो शायद ही टक्कर तो होती होती गाइज, मगर कहीं ना कहीं से दोनों को लॉस होता है, इसलिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। डोंट माइंड गाइज, कोई दिक्कत नहीं, हम एक और आपको खबर बता देना चाहते हैं। साथ ही साथ की पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन की फिल्म अल्लाह बैंकुट पुरमलो हिंदी वर्जन आने वाला है। सो गाइज, आपको ये क्लियर कर दूं कि अभी चिरंजीवी की फिल्म कोरोना के चलते थोड़ा पेंडिंग पड़ी हुई है, जिस फिल्म का नाम है आचार्या। जी हाँ, आचार्या बहुत अच्छा नाम है, और इसमें चिरंजीवी स्टारडम एक कलाकार आपके बीच आने वाले हैं फिल्म लेकर। जी हाँ गाइज, अब दोस्तों आपको भी क्लियर करते चलूं कि अमेजिंग प्राइम पर आपको देखना होगा अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा। जी हाँ, क्रेजी फैंस तो छोड़ेंगे नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि एक छोड़ने वाली बात हो ही नहीं सकती गाइस। आपको बता दूं कि आप लोग वही चीज़ तो देखने आए हैं, मगर आपको बहुत सारी जानकारी मैंने दे दिया कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, जेन्युइन तरीके से आप इस फिल्म को देखना चाहेंगे। तो आपको भी क्लियर कर दूं कि OTT पर हिंदी में रिलीज हुई पुष्पा, साथ ही साथ ये चार भाषाओं में, जी हाँ गाइस, चार भाषाओं में ये आपके बीच है फिल्म। कितने भाषाओं में? चार भाषाओं में। जी हाँ, जान लेना चाहिए आप लोगों को कि कौन कौन सी भाषाएं हैं जिसमें ये रिलीज़ हुई है। जी हाँ, पहले तो बता दूँ पुष्पा हिंदी में, क्योंकि हमारा हिंदी चलता है, हिंदी हम और आप समझ लेते हैं ठीक ठाक। वैसे तमिल भाई भी देख रहे होंगे, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु वाली भी देख रहे होंगे, सबको धन्यवाद, सब्सक्राइब कर दो भाई, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। चलो जी, बता दूँ कि हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में, जी हाँ, किस में कन्नड़ में, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, हिंदी में, फिर से बोलता हूँ, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में और कन्नड़ में, पूरे चार भाषाओं में इसको डब करके रिलीज़ किया गया, चार भाषाओं में दौड़ लगा रहे दौड़। तो गाइस, अब आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, आप लोग सोचो सोचो कितनी बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ, कितनी अंदरूनी बातें बता रहा हूँ, तो फटाफट से आप शेयर लगा दो वीडियो को, शेयर लगाओ लगाओ फटाफट से लगा दो ये फिल्म, क्योंकि ये जो फिल्म है ना, ये फ्लावर नहीं है, फायर है, फायर। लगा दो भाई, शेयर लगा दो बट से, और शेयर लगाने के बाद बाद आप लोग अगर फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हो इस वीडियो को तो लाइक करो, कमेंट करो, ये करना भूलना मत। देखो भाई, कमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, मगर आए हो तो ठोक के जाओ कोई ना कोई, है ना, दिक्कत नहीं है भाई कि आप लोगों को फिल्म देखने आए हो तो आप लोगों को यहाँ पे रिव्यू सुनने को मिल रहा है, तो ऐसा मत सोचना भाई। अगर आप लोग पुष्पा के फ़ैन हो, अल्लू अर्जुन के फ़ैन हो, रश्मिका, फहद का फ़ैन हो, इस फिल्म के पूरी टीम का फ़ैन हो, तो मार दो कमेंट, जो भी मारना हो, लाइक मार दो, डिसलाइक मार दो, शेयर ज़रूर लगा दो, ठीक है भाई, शेयर लगाओ फटाफट से, आगे मैं आगे आप लोगों को और चीज़ें बता रहा हूँ। सो गाइस, आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इस फिल्म का हीरोइन जो है वो है रश्मिका, और रश्मिका का पूरा नाम मैं आगे चल के बता रहा हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि करण मल्होत्रा की एक रणबीर कपूर की फिल्म रिलीज होने वाली है OTT पे। जी हाँ, सिनेमा हॉल पर नहीं देख सकते हैं, OTT पे, जिस फिल्म का नाम है शमशेरा। जी हाँ, शमशेरा देखेंगे आप, शमशेरा आप लोगों को मिलेगा OTT पर देखने के लिए, यानी कि एक के बाद एक बॉलीवुड फिल्में OTT पर रिलीज़ हो रही है गाइस। आपको घबराने का नहीं, सिनेमा हॉल में जाने की जिसको प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, आप लोग देख रहे हैं OTT पे। जी हाँ, मैं हूँ कहाँ पे? YouTube पे। सो गाइस, YouTube, और इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि Facebook पर भी डाल दूँ। आप लोग को पता ही होगा भाई कि आप लोग अजय देवगन को देखने वाले हैं, कौन से फिल्म में? RRR में। तो RRR का भी मैं रिव्यू लेके आने वाला हूँ, फिलहाल पुष्पा का रिव्यू चल रहा है, जो अभी आ रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए, तो मैं उनको बता दूं कि अजय देवगन की एक नई फिल्म की शुरुआत हो गई है, बट अभी आ रहे हैं तो बता दूं कि पीछे और आगे भी चलेगा पुष्पा का रिव्यू, पर बीच बीच में आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, बनता है, क्यों बनता है। चलिए गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि अजय देवगन को आप लोग RRR में तो देखेंगे ही, साथ में RRR में वो दो कलाकारों के साथ है, दो एक्टर के साथ है, वहीं पर सिंगल उनकी जो फिल्म आ रही है वो फिल्म का शूटिंग स्टार्ट हो चुका है, और वो फिल्म रीमेक है। जी हाँ, रीमेक, यानी कि
वो फिल्म पहले बन चुकी है, उसी फिल्म का यहाँ पे रिमेक होने वाला है जिसमें अजय देवगन होंगे। जी हाँ, और दमदार एक्टिंग में दिखाई देंगे। जी हाँ, वैसे भी शानदार एक्शन के साथ एक बढ़िया फिल्म बनाने वाले अजय देवगन एक्टर हैं। अब आपको बता दूँ कि बहुत ही चर्चित फिल्म है। जी हाँ, बहुत ही चर्चित फिल्म है और वो चर्चित फिल्म का नाम है कैंथी। जी हाँ, कैंथी 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 नहीं सुने कोई बात नहीं, कैंथी नहीं सुने तो कैंथी सर्च करो फटाफट से, उस फिल्म को देखो आप भाई, फटाफट से देख लो आप। उसी फिल्म का यहाँ पर रीमेक बनाने वाले हैं अजय देवगन। जिस फिल्म का नाम कैंथी नहीं होगा, उस फिल्म का नाम होगा भोला। जी हाँ, भोला। जी हाँ, आपको बता दूँ कि भोला के नाम से अजय देवगन की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि रीमेक है कैंथी की। जी हाँ, आपको क्लियर कर दूँ कि ये फिल्म एक एक्शन मूवी भी हो सकती है। जी हाँ जी हाँ दोस्तों, आपको अब लेके चलता हूँ पुष्पा की तरफ फिर से, उसके बाद लेकर आऊँगा बहुत अच्छी बातें। जी हाँ, अमेजिंग एक अपडेट है, वो अपडेट आपको बता देना चाहता हूँ पुष्पा को लेकर, कि पुष्पा पुष्पा फिल्म का जो कुछ सीन की बात करें तो उसमें एक सीन होता है, वो सीन बड़ा दर्दनाक होता है। वो आप लोग ट्रेलर में भी देखे होंगे कि चंदन की बहुत सारी लकड़ियाँ अपने अड्डे पे रखी हुई होती है और वहाँ पड़ता है पुलिस का छापा। जी हाँ, पुलिस का छापा पड़ता है। आपको सीन बता दूँ, सीन को ध्यान में रखिएगा, सीन को ध्यान से सुनना भी है आपको। जी हाँ, अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर कहीं ना कहीं से आप मिस कर जाएंगे। अगर हम भारद्वाज की बात करते हैं, यानी अनुसुईया भारद्वाज की, तो वो विलेन की हीरोइन, विलेन की पत्नी की भूमिका में है और उनका जो एक रोल है काफ़ी दर्दनाक लगता है। और वो रोल कौन सा है कि जो ब्लेडर है, जो उनका जो राइट हैंड है, ब्लेड जो अपनी जुबान में हिलाते रहता है, वो एक पर्सन को मारता है, बहुत मारता पीटता है। और बड़ी रिलैक्स हो के वहाँ पे अनुसुईया भारद्वाज आती हैं और गिलास में ऑरेंज का पानी होता है और वो देती हैं, बोलती हैं कि बाद में मारना है इसको, पहले ये पी कर ठंडा हो जा। उस जगह पे उनको देखने में आ रहा है कि वाह क्या गजब 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 रिलैक्स होके काम कर रही हैं। आपको क्लियर कर दूं गाइस कि पुष्पा राज का रोल प्ले करने वाले अल्लू अर्जुन के चंदन तस्करी के मुखिया की पत्नी, जी हाँ मुखिया की पत्नी है ये, जिन्होंने निभाया है अनुसुईया भारद्वाज ने, वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग क्या एक्टिंग यार, मुंह तोड़ जवाब दे दी कई सारी आर्टिस्टों की एक्टिंग करने वालों की। सो गाइस, आपको क्लियर कर दूं कि देश दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, तेलुगु स्टार कास्ट की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जी हाँ, जबरदस्त जबरदस्त बोल दें या जबरदस्त बोल दें, वैसे तो जबरदस्त बोला जाता है, मगर जबरदस्त भी कई जगह यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या है ना कि काफ़ी निकल के आ गए हैं जो तेलुगु के जो एक्ट्रेस हैं, और ज़्यादा निकल के आ गए कि बार क्या एक्टर्स होते हैं इनके और एक्ट्रेस होती है, क्या काम करते हैं, माइंड ब्लोइंग। सो गाइस, आपको क्लियर कर दूं कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि क्या कुछ करके निकल जाते हैं ये, और जो कि वो नाम ही रहता है, हिस्ट्री बन जाती है फिल्म इंडस्ट्रीज में। दोस्तों, अगर आप बात करें ले इस साथ साथ की, अगर कलाकारों की अभिनय को खूब पसंद किया जा रहा है, वैरालिन की जितने भी कलाकार हैं उनको खूब पसंद किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्लू अर्जुन ही है, रश्मिका हो गई या फिर फसाद हो गई या फिर जितने भी को आर्टिस्ट है विलेन है, सबको बहुत बहुत पसंद किया जा रहा है, बहुत बहुत हर किसी की एक्टिंग की सराहना की जा रही है और एक्टिंग भी दर्शाया गया है। सो गाइज, आपको बता दूँ कि ये फिल्म का ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दें कि हाँ एक के ऊपर डिपेंड है, ये एक के ऊपर नहीं, कई लोगों का इसमें काम है और सारे काम सराहनीय है। सो गाइज, मैं आप लोगों को और भी इसकी बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, आपको जाना नहीं है, चले गए तो मिस कर देंगे भाई, मिस नहीं करना है आपको, मिस कर देंगे तो फिर आपको मजाक आ रह जाएगा। फिल्म देखने से अच्छा है इसकी रिव्यू जानना, रिव्यू क्या है, रिव्यू समझ लेंगे तो आपको और फिल्म जो देख चुके हैं या फिर देखने जाएंगे उसकी और ही बात कुछ और हो जाती है गाइज, मज़ा ही कुछ और हो जाता है। सो गाइज, अभी तो शुरुआत हुई, अभी मैं आपको इतनी अंदरूनी बातें बताने वाला हूँ इस फिल्म को लेकर कि आप भी कहेंगे कि यार ऐसा भी है क्या। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको बताने वाला हूँ गाइज, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको बड़ी बड़ी खुफिया बातें बताने वाला हूँ इस फिल्म को लेकर। खुफिया क्या, एंटरटेनमेंट वाली बातें, ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी बता दूँ कि यार भाई ये लॉकडाउन में तो शुरू हुआ, मगर एक तरीके से लक्की भी माना जाएगा ये फिल्म, कि लॉकडाउन चढ़ने वाला था पूरी अच्छी तरीके से, पर अच्छी तरीके से चढ़ा नहीं था, और उसकी इस फिल्म के बाद तो चढ़ ही गया, नेक्स्ट जब फ्राइडे आया तो कुछ ना कुछ इसको बेनिफिट हुए इस फिल्म को। सो गाइज, बेनिफिट पब्लिक को भी हुए कि देखने को मौका मिला थिएटर में, ठीक है गाइज़।
तो आपको भी बता दूं कि पुष्पा द राइज इसका नाम है। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे पुष्पा पुष्पा पुष्पा, तो एक ठीक है एक निक नेम है, तो पुष्पा एक इजी है, सब समझ भी रहे हैं, सर्च भी हो रहा है पुष्पा के नाम से, मगर पुष्पा द राइज के नाम से इस पूरे फिल्म का टाइटल है। सो गाइज ये नाम भी अच्छा है और नाम इतना प्यारा है, पहले तो मैं सोच ही नहीं पा रहा था गाइज कि पुष्पा पुष्पा क्या यार, पुष्पा क्या हुआ, फूल हुआ, फूल फूल यानी फूल जैसा फिल्म होगा, प्यारा सा दुलारा सा फिल्म होगा, नॉट एक्शन होगा, बट कहीं ना कहीं साउथ तेलुगु की बात है तो एक्शन होना मांगता है भाई। तो यहाँ पर हमने यही देखा गाई, बट मुझे बहुत अच्छा लगा पुष्पा को। एक बंदा है जो पुष्पा है, वाकई वो बहुत ही नॉर्मल बंदा है और बहुत ही सीधा साधा पुष्पा बंदा है, और इतना ताकतवर है और इतना निडर है कि मत पूछो आप, इतना निडर है कि बहुत ज़्यादा। आपको एक बात बता दूं कि वो मिनटों में चाहे तो अंडरवर्ल्ड का सफाया कर सकता है पुष्पा, मगर वो अपने भाई को जो सौतेला भाई है उसको कुछ नहीं करता है, क्योंकि नॉर्मल और एक पुष्प की तरह है, एक फूल की तरह है वो बंदा, और अपने पावर को अपने रिलेशन पे नहीं आजमाना चाहता है। नहीं तो जितना परेशान किया है पुष्पा का कजन भाई ने, वो आप इस फिल्म में देखेंगे या देख चुके होंगे तो आपको पता ही होगा, देख चुके हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि किस तरीके से बचपन से लेके और जवानी तक पुष्पा का जो सौतेला भाई है वो कितना उत्पीड़न करता है, कितना परेशान करता है पुष्पा के माँ पर और पुष्पा पर, फिर भी पुष्प की तरह ही है वो बंदा, नाम ठीक रखा गया है पुष्पा। मगर पुष्पा फायर तब बनता है जब उसके अंदर वो निडर डर खत्म हो जाता है और उसके पास एक 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 सोच आ जाती है, गोल बन जाता है कि उसको आमिर बनना है, उसे ताकतवर बनना, उसे पैसे वाला बनना है, तब जाके वो अपना रुख करता है। तो रुख का जलवा जो आता है चंदन की तस्करी पे राज करने का, वो राज उसने हासिल कर लिया होता है पार्ट वन में ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, या जो देख लिए होंगे उनको पता चल जाएगा कि अंडरवर्ल्ड पे तस्करी का राजा बन जाता है पुष्पा। जी हाँ, बड़े से बड़े दिग्गज जो कि जिनके पास काम करता है पुष्पा, जो मुखिया होता है चंदन का, तो उसके बाद जब काम करता है तो वो 25 लाख में ट्रक बेचता है, जो ट्रक बेचता है आगे वाले को, आगे वाला 1.5 करोड़ में उस ट्रक को सप्लाई करता है। तो सबसे पहले जो गोल बनाता है पुष्पा की, मुझे 1.5 करोड़ वाले से ऊपर, 1.5 करोड़ वाले के पास रहना है, यानी एक समय ऐसा आता है लास्ट में कि जो 1.5 करोड़ का ट्रक बेचता है चंदन का, वो पुष्पा से माल खरीदता है, यानी पुष्पा बेचने लगा, उन सब का एक डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है पुष्पा, इतना बड़ा आदमी की तस्करी का जो 25 लाख और 1.5 करोड़ रुपये ट्रक का लेते हैं, ट्रक बेचने का, मतलब कि उसमें चंदन की लकड़ियाँ होती हैं, तो वो चीज़ें क्या है ना, पुष्पा से अब खरीदेगा, इतना बड़ा वो डॉन, इतना बड़ा वो डॉन बन जाता है, डॉन ही मान के चलो आप तो बन जाता है। तो ये क्रेज है पुष्पा का, वो गोल है जो गोल इसमें शेट किया है बंदे ने। मैं पुष्पा की बात कर रहा हूँ, मैं रियल फैक्ट की बात नहीं, काल्पनिक पुष्पा है इस फिल्म में, काल्पनिक पुष्पा है, तो उसी की बात कर रहा हूँ गाइस।